अभी मिश्रा जी ने काफी खुल के काफी सारी चीजें कही और हम भी ये सब चीजें कहते हैं, लेकिन इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, कल देखा मस्जिद अक्सा में, मस्जिद अक्सा में 2 दिन पहले इसराइल की हुकूमत ने गोलियां चलाई है, तरावी पढ़ते हुए मुसलमानों आपने के ऊपर, काबुल यहीं पे का ऊपर, मुसलमानों काबुल पे। में 55 अफगान स्टूडेंट मार दिया, उस पर तो आप हाँ कंडेम नहीं करोगे? बिल्कुल, नहीं आपको कंडेम इसराइल करते हैं, याद कंडेम आता करते है? हैं, कंडेम करते हैं। यहाँ पे मुसलमान तो सीधे मुसलमान हवाई जहाज चला देते हैं, मुसलमान मुसलमान सीधे गोलियां नहीं चलाते, छोटी मोटी चीजें, वो सीधे फाइटर प्लेन लड़ा देते हैं बिल्डिंग से, वो खुद बम बांध करके पूरी बिल्डिंग उड़ा देते हैं, ट्रक में बम भर के, छोटी मोटी गोलियां थोड़ी चलाएंगे मुसलमान लोग। और अपने आप को बचाइए मत कि अब हिंदुस्तान की बात करिए, पाकिस्तान भी तो हिंदुस्तान था, क्यों नहीं किया? आप जैसे मोमिन क्यों नहीं आए उस वक्त? तब आप जिहादी बन गए थे, आज मोमिन बन रहे हैं, जिसको पाकिस्तान, यही फर्क है। जिसको क्यों इस्लाम, आप वर्बल जिहाद, यहां कैंप्रिजन ये है कि इन कैंप्रिजन ऑफ अदर्स, जिनके पास रिसोर्स नहीं है, जिनके पास इल्म नहीं है, टेक्नोलॉजी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ह्यूमैनिटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनके बढ़ने की स्पीड दूसरों के कैंप्रिजन में बहुत ज्यादा है, ये यहां पे पॉइंट है। ये क्यों है? वो हमारे भारत अरे की कौन रोटी सी तोड़ चोरी रहे और हैं, सीना चोरी? हमारे एक भारत टैंकर का भेज के आप ऐसा हमें जो कलमा खाकर पढ़ाना भेज। चाहते हैं? एक टैंकर अरे भेज के आप टैंकर, ये सोच रहे आप हैं कि मैं कलमा बनके, पढ़ आप लूं? इनकी सोच टैंकर देखिए, 14 साल तक लूट टैंकर के लेके देखने गए गए, हो, अरे जरा लौटा दो। टैंकर देखते ही मुसलमान बन बोल जाओ, लेके एक गए, न्यूज़ भी इनके टैंकर भेज दोगे देखते तो ही नहीं मुसलमान लौटा बन पाओगे। जाओ आप सब हैं। और जो करोड़ों हिंदू भाई सब काम कर रहे हैं उनके लिए नहीं, नहीं चलती आपकी जबान, मुगल एक कहां टैंकर बताओगे? देखते ही देखिए कैसे उछलने लगे रफी फटाफट। साहब, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी बड़ी से बड़ी एमएनसी के सीईओ बन जाइए, आपको वो इंसेंटिव लाइफ के वो ज्वाय नहीं मिलेंगे जो इस्लाम कबूल कर लेने पे एक झोपड़ी मिल जाता है। आपके यहाँ हूरे कहाँ मिलती है? बम लगा के उड़ा लो तो हूरे मिलेंगी। आपके यहाँ हूरे कहाँ किसने मिलेंगी? कहा, काफिर की गर्दन काट लो तो हूरे किसने कहा, मिलेंगी। आप आपके यहाँ इस्लाम को हूरे कहाँ कबूल नहीं मिलेंगी किया, कि तलाक दे के इस्लाम हवाला को कराओ कबूल तो नहीं हूरे किया, मिलेंगी? अरे क्या आप ये इस्लाम को पैरामीटर कबूल है नहीं आपके किया, यहाँ हूरों को पाने आप का? आगे बोलोगे। मिश्रा जी की हिम्मत नहीं होती ऐसी बातें करने की, अगर आपने अब ये एक्सपेंशन कैसे हुआ? दो चीजें होती हैं मैम, कोई भी एक जो है कबीला या आदमियों का ग्रुप एक्सपेंड कैसे करता है, कोई एक ग्रुप कैसे बढ़ जाता है, साइंटिफिक एक वो देखिए, इसमें एंथ्रोपोलॉजी की भी स्टडी आ जाएगी, सोशियोलॉजी की भी आ जाएगी, हिस्ट्री की भी आ जाएगी, दीन की भी आ जाएगी, बहुत सारे जगह से स्टडी करने के बाद ये कंक्लूजन आते हैं या निकाले हैं, मैंने डिराइव किए हैं। आप यह तो बताइए आप यमन सीरिया क्यों है, जाके आई एस आई बसेंगे? क्यों है? इस्लाम की बड़ी खूनी हिस्ट्री है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। किताब में कुछ और, बोलना कुछ और, वो इसलिए, मस्जिद में कुछ और बोलना। मिश्रा जी मिश्रा प्लीज शांत जी रहिए, इसलिए रफी ऐसा, साहब प्लीज शांत रहिए, सुन लीजिए प्लीज। मिश्रा जी इसलिए ऐसा बोल पा यार रहे हैं और मैं आरसीओ उनका साहब का दूसरी समर्थन कर इतिहास रही को हूँ, पढ़ लो यार, आप मैं दूसरी इसलिए मौसम खुल उनका जाता है, मैं समर्थन क्यों कर पढ़ रहा रही हूँ हूं? अपने बड़े भाई मिश्रा जी का, क्योंकि वो एक एक बात तथ्य के आधार पर सच बोल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, इस्लाम में मोटिवेशन या इंसेंटिव इतना अच्छा दिया गया है अपने टास्क को पूरा करने के लिए कि दुनिया की बड़े से बड़ी कंपनी आपको उतना अच्छा इंसेंटिव नहीं देती है। स्पेंसर, 1.2 बिलियन आदमी जब एक डेडिकेटेड टारगेट के लिए तैयार रहेंगे अपनी जिंदगी में, ओसमा बिन लादेन जैसा इंजीनियर जब अपनी पूरी कमाई छोड़ करके इस चीज में लिप्त हो जाएगा, तो इस्लाम नहीं बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? हमारे आपके दूसरे धर्म बढ़ेंगे, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो परसेप्शन ये डेवलप हो रहा है फियर का, हर चीज का उसके पीछे रीजन है। ये हर पॉसिबल तरीके को इन्होंने इंसेंटिवाइज कर दिया है। कोई आदमी प्यार और मोहब्बत से मान जाए तो सही बात है, नहीं माने तो तलवार भी उसके लिए जायज है और उसको कोई गलत नहीं बोलेगा, और करंट में भी ये प्रैक्टिस है। बेटियों ने कहा मोहम्मद बिन कासिम हमारा रेप कर चुका है। कहाँ गए आप शांति से मुगल? कहाँ इंतजार गए? करें तो मैं नाश अपना हो गया, प्रोग्राम बढ़ा दूं सर्वनाश हो प्लीज। गया मुगल मुगल की भी इस्लाम, पोल खोलूंगा कभी, चिंता मत करिए। जैसे आप भंडा रहे हैं ना, सर अभी तो मैंने इस्लाम के दो विस्तार एक के दो लिए लाइनें हमें पोल और भी खोली एपिसोड हैं। करने हैं, किसी जरा आता जस्टर भाई से पूछिए, कितने आप परसेंट सर, होगा मुझे बताइए? मिश्रा जी रुकिए, मिश्रा जी रुकिए, 40% मिश्रा जी की रुकिए, रवि पॉपुलेशन साहब दुनिया में आप कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है ह्यूमिनिटी में आपका ना मुझे बताइए? एक्सपोज जो हुए हैं, एक्सपोज जो हुआ है, फिर बनू उमैया आता है, बनू उमैया ने नवासाए रसूल को कत्ल किया, आप कह रहे हैं तलवार के जोर पे नहीं, पहला तलवार ही चली है। एक धर्म के दो पार्ट होते हैं, लिटरेरी पार्ट होता है जो किताबें होती हैं, मैसेज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, दूसरा उसको फॉलो करने वाले जो प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं। अब जितने मुस्लिम हैं उन्होंने तो पढ़ा है, लेकिन जो गैर मुस्लिम है जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इस्लाम का परसेप्शन ऐसे ही डेवलप करेंगे कि जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा बिहेव करते हैं। आधी गवाही आधी विरासत,
औरत को कोई हुकूक नहीं है इस्लाम में। हुआ था प्रॉफेट मोहम्मद के चाचा ने लास्ट तक इस्लाम नहीं कबूला था, सूफियों के दौर में नहीं फैला। महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम गोरी ये सब आते थे, इसके पीछे सूफी आते थे, तलवार के जोर पे कन्वर्जन हुए, तलवार के जोर पे फैलाए। दामाद रसूल की जंग होती है बीवी रसूल के साथ, 10,000 सहाबा मरे, मारने वाले भी सहाबा, मरने वाले भी सहाबा। आज का 1360 विद मनु में जो हमारा सब्जेक्ट है उसका टाइटल है इस्लाम की विस्तारवादी भूख। आखिर कब तक ये इस्लाम के विस्तारवादी भूख लगातार बनी रहेगी, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंग्लैंड से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आरिफ अजंकिया साहब। आरिफ जी, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच। भारत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक ए के मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, और आपके सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। थैंक यू दी, जय हिंद, वंदे मातरम। आदाब, जय गांधी देश, अस्सलाम वालेकुम, जय सियाराम। मिश्रा जी, आप बताइए, अब आपने काफी शांति से सुना आरिफ साहब को भी, रफी साहब को भी, शबनम को भी, जरा आप भी रोशनी डालिएगा। थैंक यू मैम। देखिए, आपके सभी जो सम्मानित पैनलिस्ट बैठे हैं, ये टॉपिक बड़ा इंटेलेक्चुअल है और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, और सभी पैनलिस्ट से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा मुझे सुनिएगा, क्योंकि मैं इसको दीनी तौर पे नहीं लेके जाऊंगा कि इस्लाम सही है या गलत है। और मैं पहले डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ, ना मैंने कुरान पढ़ी है ना हदीस पढ़ी है, जो चीजें प्रैक्टिस हो रही हैं उसको मैं देख करके, ये मेरी एनालिसिस है और साइंटिफिक एनालिसिस होगी कोई सभ्यता या कोई चीज कैसे क्यों बढ़ जाती है। दो, एक चीज और मैं डिफिनेशन क्लियर कर दूं, पैरामीटर क्लियर कर दूं, मैं मानने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने तो पढ़ा नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि भाई कुरान हदीस में हर चीजें बड़ी मोहब्बत की लिखी हैं, बहुत अच्छी लिखी हुई हैं। एक धर्म के दो पार्ट होते हैं, लिटरेरी पार्ट होता है जो किताबें होती हैं, मैसेज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, दूसरा उसको फॉलो करने वाले जो प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं। अब जितने मुस्लिम हैं उन्होंने तो पढ़ा है, लेकिन जो गैर मुस्लिम है जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इस्लाम का परसेप्शन ऐसे ही डेवलप करेंगे कि जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा बिहेव करते हैं। तो इसी बेसिस पे ये मेरी एनालिसिस रहेगी। आप चलिए उस वक्त जब इस्लाम पैदा हुआ था, ये क्वेश्चन बड़ा वाजिब है, आपका जो टाइटल है बड़ा वाजिब है, वहां नदियां नहीं थी, खेती नहीं होती थी, रेत ही रेत होते थे, एक सभ्यता के डेवलप होने के वहां पे सबसे कम चांसेस थे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, ये सब अगर डेवलप हुई तो यहाँ पे आदमियों के भरण और पोषण के लिए प्रकृति ने हर चीज दी थी, खेती होती थी, जंगल होते थे, नदी थे, पानी थे, हर तरीके का खाना पीना था। तो ये एक वैज्ञानिक कारण था, जहां पे रिसोर्सेस बहुत ज्यादा नेचर ने दिए हैं सभ्यताएं वहीं पे डेवलप हुई। ये एक इकलौता ऐसा एग्जाम्पल है कि रेत में जहां पानी भी नहीं मिलता था वहां से ये पैदा हुए और पूरी दुनिया में छा गए। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक दो साल पहले की बात है, जितने बच्चे दुनिया में पैदा हुए उसमें से 31% यानी 1/3 आप समझ लीजिए वो इस्लाम के थे। देखिए कैसे एक्सपेंशन हो रहा है, मैं पॉइंट केवल एक्सपेंशन पे रखूंगा कि इनका मूड ऑफ एक्सपेंशन क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, क्यों ये डेवलप कर गए। दूसरी चीज मैंने उसमें ये भी पढ़ी थी कि लगभग 2 बिलियन के आसपास मुस्लिम है, 1.6 या 1.8 पूरी दुनिया में, इस हिसाब से लगभग हर 4 में से एक आदमी यानी 25% मुसलमान है। पैदा कहाँ हुआ था? अरब। आज अरब की पॉपुलेशन कितनी होगी? सऊदी अरब की पॉपुलेशन 7-8 करोड़ है, पूरे गल्फ की मिला देंगे तो होगी 25-50 करोड़ के आसपास होगी, जितना तो इतना तो यूपी के इंडिया में 1-2 स्टेट में हो जाता है, 22 करोड़ तो यूपी की है, 22-25 करोड़। अब ये एक्सपेंशन कैसे हुआ? दो चीजें होती है मैम, कोई भी एक जो है कबीला या आदमियों का ग्रुप एक्सपेंड कैसे करता है, एक्सपेंड करने के लिए जो बेसिक और मूलभूत चीजें चाहिए वो बहुत गजब की इसमें है। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, आप इसको दीनी उस पे मत लेकर के जाइएगा। ये मान लीजिए कि भगवान या खुदा ये नहीं होते हैं, इस धरती पे कोई एक ग्रुप कैसे बढ़ जाता है, साइंटिफिक एक वो देखिए, इसमें एंथ्रोपोलॉजी की भी स्टडी आ जाएगी, सोशियोलॉजी की भी आ जाएगी, हिस्ट्री की भी आ जाएगी, दीन की भी आ जाएगी, बहुत सारे जगह से स्टडी करने के बाद ये कंक्लूजन्स आते हैं या निकाले हैं, मैंने डिराइव किए हैं। देखिए सबसे पहले जिन्होंने दीन को फैलाया,
इस्लाम को जिन्होंने फैलाया, अच्छे थे बुरे थे मेरा इस पे कोई कमेंट नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से बहुत जबरदस्त विजडम था फ्यूचर का। फ्यूचर का विजडम कैसे था, किसी भी धर्म के दो पार्ट करिए, इंडेमिक यानी जो उस धर्म के धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके लिए नियम और कानून क्या है, और जो उनसे मुख्तलिफ हैं जुदा हैं उनके लिए क्या है। आपके अपने घर में नियम कानून कुछ और होते हैं, बिहेवियर कुछ और होता है, आप बाहर जाते हैं तो दूसरे तरीके से बिहेव करना शुरू करते हैं। तो जिन्होंने इस्लाम धर्म को फैलाया, क्या था, सही था, गलत था, क्या था नहीं था ये मुझे नहीं पता, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो बहुत विजनरी टाइप का उनका अप्रोच था। विजनरी कैसे था, सबसे पहले अपने आप को सेव करना, और केवल एक दो दिन या अपनी जिंदगी के लिए नहीं, आगे हजारों साल तक अपने आप को, अपनी सुपरमेसी को सेव करके रखना। इसके लिए उसमें एक फलसफा ये आ गया, वो सही है गलत है वो आप लोग देखिएगा, कि भाई मैं ही एक मैसेंजर हूं, भगवान एक ही है यानी खुदा, कोई और दूसरा नहीं है। यानी उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपनी सुपरमेसी को हमेशा के लिए इस्टेब्लिश करने के लिए, कि मेरे सिवा, और रफी साहब बाद में बोलिएगा, मुझे बोल लीजिए, मुझे उतना इल्म नहीं है कुरान का, लेकिन लब्बो लुआब जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, और उस दीन के लिए ये चीजें। तो पहली सुपरमेसी उन्होंने रूल ही प्रिंसिपल बहुत सही तरीके से बनाए ग्रो करने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ग्रो करने के लिए होती है, इनके पास इल्म नहीं था, बहुत सारी चीजें नहीं थी। अब हुआ क्या, इनिशियली पहले कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, तो उसके बाद वो बढ़ता गया, ग्रुप बना, ग्रुप के बाद उसमें पॉलिटिक्स आ गई, यानी बादशाहत राज्य वगैरह हुए, फिर लूटपाट हुई पूरी दुनिया में। अब इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा कैसे हुआ। शुरू में कुछ लोग थे, कमजोर थे, तब दूसरे लोगों को कैसे जोड़ा गया, एक सभ्यता वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। मैं एक चीज बोलता हूं, इस्लाम में एक चीज बड़ी खूब है, मैं बताऊं, जो अधिकार लाइफ के, प्रैक्टिकल लाइफ के, जन्नती की मैं बात नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल लाइफ में जो भूख प्यास दौलत इनकी जो चाह होती है, इस्लाम में जो अधिकार किसी बादशाह को है वही अधिकार एक झोपड़ी में रहने वाले को भी है। अब इसका असर देखिए, मेरे कहने का मतलब है इस्लाम में मोटिवेशन या इंसेंटिव इतना अच्छा दिया गया है अपने टास्क को पूरा करने के लिए, कि दुनिया की बड़े से बड़ी कंपनी आपको उतना अच्छा इंसेंटिव नहीं देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी बड़ी से बड़ी एमएनसी के सीईओ बन जाइए, आपको वो इंसेंटिव लाइफ के वो ज्वाय नहीं मिलेंगे जो इस्लाम कबूल करने पे एक झोपड़ी मिल जाता है। कौन सी कंपनी टारगेट पूरा करने पे आपको चार बीवियां रखने का हक देगी, कौन सी कंपनी अपना टारगेट पूरा कर लेने पे आपको चार बीवियों के साथ साथ लौंडियां रखने का भी हक देगी, कौन सी कंपनी आपको यह अधिकार देगी या इंसेंटिव देगी कि अपने टारगेट पूरे करो तो आपका जो विरोधी कंपनी वाला है उसको कैसे भी करके नेस्तनाबूद कर दो, सब जायज है और उसमें आपको जन्नत मिलेगी। मतलब सिन, फीलिंग ऑफ सिन, पाप की फीलिंग बिना आने पाए लोगों के। अच्छा, अब इंसेंटिव देखिए क्या है, बीवियां जो है, चार बीवियां बादशाह भी रख सकता था, वही इंसेंटिव झोपड़ी में रहने वाले एक मुसलमान को भी है। झोपड़ी में रहने वाला एक मुसलमान अगर बोले कि चार बीवी मैं रखूंगा तो इस्लाम जगत का कोई आदमी मना नहीं कर सकता। राजाओं को, बादशाहों को छोड़ दीजिए, उनके पास पैसे होते थे, स्टेटस सिंबल होता था, वो रख सकते थे। अच्छा, और इंसेंटिव देखिए यहाँ पे क्या है, जब आप देखिए प्यार और मोहब्बत से करिए, ठीक है मैं मानता हूं इतने लोग कन्वर्ट हुए, यहाँ कंपैरिजन ये है कि इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स, जिनके पास रिसोर्स नहीं है, जिनके पास इल्म नहीं है, टेक्नोलॉजी में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, ह्यूमैनिटी में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, उनके बढ़ने की स्पीड दूसरों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। ये यहाँ पे पॉइंट है, ये क्यों है। अब इन्होंने एक मुकम्मल कर दी किताब की, जो इस्लाम है सुपरमेसी को वो करने के लिए, कि उसमें एक नुक्ता भी नहीं जोड़ा जा सकता है। मैं दूसरे धर्मों की बात नहीं करता हूँ, सनातन की बात करूं, यहाँ पर वो तो हर धर्मों की किताबें अपनी, नहीं 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 जोड़ा जा सकता, नहीं 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 मैम सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सनातन धर्म की जो स्थापना हुई है किसी एक आदमी ने नहीं की है, लोग आते रहे, अपने अपने वैल्यू एडिशन देते रहे लाइफ के हर हिस्से में, और आज भी ये जारी है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। हम गीता में कितने अमेंडमेंट हुए हैं आप बता दीजिए जरा, एक चीज मुझे आप ये बताइए। तो मैं वही, मेरी भाषा तो आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव हो या निगेटिव हो दूसरी चीज है, आप कुरान में कितने अमेंडमेंट हुए मुझे बताइए जरा। अरे कुरान में हो सकता है सर, गीता के बाद, नहीं 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 गलत गलत कंपैरिजन सर,
गीता के बाद भी ऐसे बहुत सारे भाष्य टीका वगैरह लिखे गए हैं, कॉन्टिन्यूस क्लींजिंग। टीका में टीका लिखना और श्लोक लिखना दोनों अलग अलग चीजें। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बहुत सारी प्रथाओं को जो चीजें हिंदू समाज को सनातन समाज को गलत लगी उनको खत्म कर दिया गया सर। रफी साहब एक गेस्ट को बोल देने दीजिए। आप पहले मुझे बोल देने दीजिए, मैं आपसे इसमें भी करूंगा। मैं बेस बता रहा हूँ कि सनातन का बेस क्या है। बीच में बोल दिया, सनातन का बेस ये है कि कोई भी आदमी आके मोहब्बत बढ़ाइए रफी साहब, दूसरे को भी, कोई भी आदमी आके कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। अच्छा, दूसरी इस्लाम के इस्लाम या उसके मानने वाले, मैंने पहले ही बोला है, हो सकता है कुरान हदीस वगैरह बहुत अच्छी हो, मैंने पढ़ा नहीं है, हो सकता है मोहम्मद साहब बहुत अच्छे रहे हो, उनके बाद के जो परसेप्शन ये डेवलप हो रहा है फियर का हर चीज का, उसके पीछे रीजन है। ये हर पॉसिबल तरीके को इन्होंने इंसेंटिवाइज कर दिया है। कोई आदमी प्यार और मोहब्बत से मान जाए तो सही बात है, नहीं माने तो तलवार भी उसके लिए जायज है और उसको कोई गलत नहीं बोलेगा। और करंट में भी ये प्रैक्टिस है। हरियाणा में निकिता करके एक लड़की का, उसको गोली मारी, उसके माँ का स्टेटमेंट सुन के हैरान कर देने वाला है। उसके माँ ने बोला अरे वो निकाह के लिए इस्लाम कबूल करने के लिए हाँ कर देती, निकाह कर लेती, क्या कमी है हमारे अंदर, हम एमपी भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, हमारे घर में दौलत है। ये सोच है इस्लाम के औरतों की आज 21वीं सदी में, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जहां पे इतने तगड़े इंसेंटिव दिए हैं, अच्छा मरने के बाद भी इंसेंटिव है, सुनिए रफी साहब रखिए, मरने के बाद भी बड़े जबरदस्त इंसेंटिव है मैम। यहाँ पे आप जाएंगे, जो चीजें आप पृथ्वी पे नहीं भोग पाए आपको जन्नत में मिलेंगी। 72 हूरे, ये शराब, वो शराब, पूरे दुनिया के लोग तो मिलके वो शराब बना नहीं पाए। अरे सर सुन लीजिए ना, आप बीच में बोल रहे हैं, मैंने बोला आप, अरे आप सुनिए, आप सुन लीजिए, आप पहले सुनिए। रफी साहब हम दिल्ली की मीडिया में नहीं बैठे हैं, प्लीज। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं इनको जवाब दे दूँ। अरे इंद्र की अप्सराएं इसलिए नहीं मिलेंगी कि एक मुसलमान का हिंदू धर्म न मानने वालों का गर्दन काट के लाओ। आपके यहाँ हूरे कहाँ मिलती है, बम लगा के उड़ा लो तो हूरे मिलेंगी। आपके यहाँ हूरे कहाँ मिलेंगी, काफिर की गर्दन काट लो तो हूरे मिलेंगी। आपके यहाँ हूरे कहाँ मिलेंगी कि तलाक दे के हवाला कराओ तो हूरे मिलेंगी। ये पैरामीटर है आपके यहाँ हूरों को पाने का, आपके यहाँ हूरों को पाने का पैरामीटर मैं बता रहा हूँ। मुल्लाओं का पैरामीटर है ये, मुल्ला ने यही सिखाया है। जो देखिए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अरे रफी सर हमें इससे मतलब नहीं है क्या लिखा है, मैंने नहीं पढ़ा है। जो आप प्रैक्टिस करेंगे, जो सारे हो सकता है 2-4-6-10% मुसलमान बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी कोशिश का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी कोशिश जो मैक्सिमम मुसलमान, अरे सर वही तो, अरे टेक्स्ट में लिखा हुआ है ऐ लोगों, तो आप प्रैक्टिकल फॉलो क्यों नहीं करते हैं? जब प्रैक्टिकल बोलने की बात आएगी तब ऐ मोमिन हो जाएंगे। केवल मोमिन के लिए दुनिया की सारी फैसिलिटी है, तब नहीं मिलेगा, तब ऐ लोगों को बात नहीं होगा, तब ऐ मोमिनों की बात होगी, तब ऐ जिहादियों की बात होगी। मस्जिद में जब बात की जाएगी तब ऐ मोमिनों ऐ जिहादियों की बात होगी। अरे फर्क समझिए सर, मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ। मुझे अपनी वैज्ञानिक व्याख्या को, मुझे अपनी, आप सुन लो की बात कर रहा हूँ, वर्तमान हिंदुस्तान की जहाँ पे ये। अरे ऐ मोमिन रफी साहब, इसी से इस्लाम पता चलता है। सुनिए, नहीं नहीं एक मिनट, मैं देखिए सभ्यता क्या है, मैम सुनिए सभ्यता क्या है, कौन इस्लाम। इन्होंने आधे घंटे बोला, सारे पैनलिस्ट ने 45 मिनट बोला, मैंने चूं तक नहीं किया। ये सनातन सभ्यता है और ये बीच में ही एग्रेसिव हो गए। ये कहिए, ये इनको देख लीजिए कहीं तलवार लेके तो नहीं बैठे हैं, अभी गर्दन उड़ा देंगे। सहनशीलता नाम की चीज नहीं है, सहनशीलता दिख रही है किसने कितना है। तो लेट मी कंटिन्यू प्लीज, तलवार वालों लेट मी कंटिन्यू, ऐसी कर देते हैं 2 मिनट में। लेट मी कंटिन्यू मेरे जी, मिश्रा जी जल्दी सम अप कीजिएगा क्योंकि हमारे पास टाइम एक घंटे का है। प्रैक्टिकल सर्वाइवल के लिए मुसीबतों से लड़ने के, तीनों को निपटना पड़ रहा है, मुझे टाइम जरूर देना। प्रैक्टिकल सर्वाइवल के लिए एक एक घंटे का, अगले में आपको ज्यादा टाइम दिया जाएगा जी। प्रैक्टिकल ग्रोथ के लिए, प्रैक्टिकल सर्वाइवल, प्रैक्टिकल ग्रोथ के लिए,
प्रैक्टिकल सर्वाइवल, प्रैक्टिकल ग्रोथ के लिए जितने हुनर चाहिए, चाहे सही हो चाहे गलत हो, उसको प्रिंसिपल इन्होंने बना दिया। 10 साल तक पहुंचते पहुंचते हर मुस्लिम बच्चा मोमिन बन जाता है, यानी उसको पता है उसका दुश्मन कौन है, दुश्मन के साथ बिहेव कैसे करना है, उसके पूरे लाइफ का जो टास्क होता है, इंजीनियर बने डॉक्टर बने उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक चीज वो जरूर करेगा, इस्लाम का एक्सपेंशन। 1.2 बिलियन आदमी जब एक डेडिकेटेड टारगेट के लिए तैयार रहेंगे अपनी जिंदगी में, ओसमा बिन लादेन जैसा इंजीनियर जब अपनी पूरी कमाई छोड़ करके इस चीज में लिप्त हो जाएगा, तो इस्लाम नहीं बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? हमारे आपके दूसरे धर्म बढ़ेंगे जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और पहले दूसरों की मदद की जाए, अब अपने घर में खाना हो। इनके यहाँ क्या होता है, मदद होती भी है तो केवल इस्लामिक जो है सेक्ट को मदद होती है। मुझे बताइए जरा एक उदाहरण कि कहीं पे भी आपदा कुछ आई हो तो दूसरे लोगों को उसी खुले दिल से मदद किया गया हो इस्लामिक कम्युनिटी या कंट्री ने? बहुत बहुत रेयर एग्जांपल मिलेंगे। जो जनसंख्या में आपकी हिस्सेदारी है, 40% जनसंख्या में हिस्सेदारी है और कंट्रीब्यूशन कितना है मुझे बताइए, 40% जनसंख्या में हिस्सेदारी है और कंट्रीब्यूशन कितना है ह्यूमैनिटी को, मुझे ये बताइए। पूरी फिलॉसफी ये है कैसे भी करके एक आदमी तलवार उठाएगा, दूसरा आदमी साइड में आके प्यार मोहब्बत की बातें करता रहेगा। मिश्रा जी हो वैसे करके, मिश्रा जी रुकिए, मिश्रा जी रुकिए, रफी जी आपके 5 मिनट, रफी साहब आपके 5 मिनट जी प्लीज। सबसे पहले मैं मिश्रा जी की इस बात का जवाब देता हूँ कि मुसलमानों ने कभी कहीं किसी आपदा में या किसी में रेयर कोई काम किया हो। अरे मैं करंट बता रहा हूँ, करंट बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में जो अंतिम संस्कार के लिए आज ऐसी अनेक संस्थाएं, इंदौर में भी, पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम संस्थाएं ऐसी फैली हुई है जो शमशान भूमि में हिंदुओं का, कोरोना बॉडियों का जो अंतिम संस्कार कर रही है लोगों को। कितने परसेंट सर, कितने परसेंट, कितने परसेंट होगा मुझे बताइए? मिश्रा जी रुकिए, मिश्रा जी रुकिए, 40% की पॉपुलेशन दुनिया में कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है ह्यूमैनिटी में आपका मुझे बताइए? एक्सपोर्ट जो हुआ है सऊदी अरब से, जो ऑक्सीजन आया है उस पर रिलायंस का स्टिकर लगा दिया जाता है चोरी छिपे। मैं बता रहा हूँ 1400 साल में पहली बार एक टैंकर आ गया, एक मीट्रिक टन, नहीं, एक टैंकर सऊदी अरब से आ गया 1400 साल में, 1400 साल में कितना लूट के लेके गए हैं मुझे बताइए? अरे तख्ते ताऊस की कीमत भी कुछ नहीं है सर, ये टैंकर की कीमत कुछ नहीं है, 1400 साल में एक टैंकर आया है, 1400 साल में एक टैंकर आया है, 1400 साल में एक टैंकर आया है सर। इसके पहले तो नंगी तलवारें लेके आते रहे हैं, लूटते रहे हैं, आपने जितना दान दिया, जितनी आपने मदद की, 1400 साल में कितना लूटा है जरा वो बता दीजिए, कितना लूट, कितने लोगों को मारा है आपने, एक की मदद की, कितने लोगों के गर्दन आपने उड़ाए हैं जरा ये बताइए। जहां आप बैठे हैं दिल्ली के पहाड़गंज में लाखों लोग एक दिन में कत्ल कर दिए गए हैं इस्लाम के नाम पे, कत्ल किए गए हैं, अरे सरहद हो गई, लाखों लोग एक एक दिन में पहाड़गंज में एक एक दिन में कत्ल किए गए हैं। अरे क्यों सुने सर गलत, 40% पॉपुलेशन में कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है ह्यूमैनिटी का 1400 सालों से बताइए जरा। मिश्रा जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए मिश्रा जी प्लीज, हमारे पास टाइम कम है, रफी साहब जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, सुनिए जल्दी से खत्म कर रहा हूँ। 800 साल का मुसलमान होगा राज है कि नहीं, सल्तनत रही है, हम तब भी 20% थे, आज भी 20% है, कितने कितनी सल्तनत रही है, मुगलों की सल्तनत रही है उससे, वो तो आपका बस नहीं, आपका 20% है लेकिन आपका टारगेट है 80% होने का। मैं एग्जांपल कश्मीर में देखिए कितने परसेंट हिंदू थे और कितने परसेंट मुसलमान हो, केरला में जाके देखिए कितने परसेंट हिंदू थे, बांग्लादेश में देखिए कितने परसेंट हिंदू थे और कितने परसेंट मुसलमान, पाकिस्तान में देखिए। आप मास्क मत करिए, आप मास्क, उस खून में आप भी शामिल थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं की जो जनसंख्या घटी है उसमें आप जैसे आइडियोलॉजिकल लोग शामिल है, और अपने आप को बचाइए मत कि अब हिंदुस्तान की बात करिए, पाकिस्तान भी तो हिंदुस्तान था, क्यों नहीं किया, आप जैसे मोमिन क्यों नहीं आए उस वक्त, तब आप जिहादी बन गए थे, आज मोमिन बन रहे हैं, यही फर्क है। क्यों इस्लाम, आप वर्बल जिहाद। मिश्रा जी एक मिनट क्लोजिंग रिमार्क आज के सब्जेक्ट पे प्लीज। देखिए मैम 1400 साल का इतिहास है, आज के डेट में 1-2 बिलियन की पॉपुलेशन का कॉन्ट्रीब्यूशन मैं पूछ लेता हूँ, 40% 48% मुस्लिम पॉपुलेशन है, ह्यूमैनिटी को क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, केवल मार काट कब्जा करना लूटना घसोटना। जिस कौम में कुछ लोग अच्छे होंगे
पूरे कौम के बच्चे बूढ़ों का एक अल्टीमेट टारगेट, आइडियोलॉजिकल टारगेट ये बना दिया गया हो कि तुम दीन का एक्सपेंशन नहीं करते हो अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से, तो तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। तो जन्नत का इंसेंटिव कौन सा मुसलमान छोड़ना चाहेगा? हमें तो कई बार चार बीवियों का इंसेंटिव कौन मुसलमान छोड़ना चाहेगा? चार बीवियों के साथ अपने खिदमत के लिए लौंडियों को रखने का कॉन्सेप्ट कौन सा मुसलमान छोड़ना चाहेगा? नहीं नहीं, ये ऊपर की बात नहीं है, ये दुनिया में, सुनिए मैम, सुनिए, दुनिया में ही कहते हैं माले गनीमत। माले गनीमत मतलब कि तुम लूट के ले आओ, वो बादशाह से लेके एक अदने से सैनिक के बीच में बट जाएगा, और उसमें केवल ज्वेलरी, रुपए, पैसे नहीं है, औरतें भी जो है माले गनीमत है वो भी बटेंगी, हिस्सेदारी होंगी, गुलाम भी होंगे हिस्सेदारी, जिसका कॉन्सेप्ट इतना गजब। मैंने बोला ना प्रैक्टिकल लाइफ से अच्छा है या बुरा है कुछ, 1.2 बिलियन मोमिन जब केवल इसी काम में लगे रहेंगे तो कौन बढ़ेगा? ये डायनासोर वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, डायनासोर कैसे बढ़ा था और कैसे खत्म हुआ था। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन एक शब्द में ये है कि कैसे डायनासोर बढ़ गया, वो हर तरीके से दूसरों को खत्म कर देते थे, दूसरों का खाना वो खा डालते थे, चाहे जो बड़े डायनासोर होते थे और मांस खाते थे वो दूसरे जानवरों को खा जाते थे, जो हर्बीवोर्स होते थे वो पेड़ पौधों को खा डालते थे, दूसरे जानवरों को मिलता ही नहीं था। इतने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सपेंशन के लिए हैं, और वो क्यों है? ताकि जन्नत में 72 हुए मिले, वो उम्दा शराब मिले, क्या मिले, कैसे मिले, जो मैं सुनता हूं, मैंने पढ़ा नहीं है क्या है क्या नहीं। जिस रिलीजन में इस्लाम को अपने रिलीजन को बढ़ाने के लिए बम लगा करके आप उड़ा लीजिए बिना किसी पर्पस के, मॉल में जाके, सिनेमा हॉल में जाके फोड़ दीजिए, तो वो रिलीजन नहीं बढ़ेगा तो फिर कौन बढ़ेगा? टीवी पे मोहब्बत फैलाने के लिए देखिए यहाँ पे मोमिन बैठे हुए रहते हैं बगल में, दोनों चीजें मतलब मोहब्बत भी बगल में, कितने मोहब्बत से ये लोग मोहब्बत करते हैं ये समझने की जरूरत है। हाँ, और उसके बाद बाकी सारी चीजें तो 1400 साल से ही किया। एक टैंकर आ गया तो ये हमें अब सोच रहे हैं कि मैं कलमा पढ़ लूं एहसान के नीचे तब जाऊं। 1400 साल में कितनी दौलत लूट के गए हैं इंडिया से, अगर उसका हिसाब मांगने लगूं इंटरेस्ट के साथ ना, तो उनके महलों की जो है न्यू की ईंट बिक जाएगी और चुका नहीं पाएंगे अगले 14,000 सालों में, इतनी दौलत है। मिश्रा जी आपका टाइम और रफी साहब लास्ट के एक मिनट, टैंकर भेज के एहसान मत जताइए हमारे ऊपर। आप शांति से मिश्रा जी, आप सुनिए, रफी साहब बिल्कुल एक मिनट है, रफी साहब बिल्कुल पॉजिटिव मार्क, चार बीवियों की बात कर रहे हैं जो कृष्ण जी, सब्जेक्ट रफी साहब, सब्जेक्ट है इस्लाम की विस्तारवादी भूख, मैंने शुरू में बोला कि राजा महाराजा बादशाहों को छोड़ दीजिए, वो उनका स्टेटस होता था। अरे झोपड़ी में रहने वाले कौन से हिंदू के पास चार बीवी है? झोपड़ी में रहने वाले कौन से गरीब हिंदू के पास चार बीवी है? मैं तो गिरा दूंगा मुसलमानों में, कॉन्सेप्ट समझते, मैंने पहले ही बोल दिया। जल्दी प्लीज, लास्ट की एक मिनट है। इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला, इस्लाम रोशनी है। देखिए अंधेरे में जब भी चिराग जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, दीपक जलाएंगे तो उजाला करेगा, अंधेरा छीन देगा। और इस्लाम फैला सूफियों से, हिंदुस्तान में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से फैला है इस्लाम। किसी वही सूफी जिसने संयोगिता को छोड़ दिया था भेड़ियों के बीच में। मिश्रा जी प्लीज, मेरे पास वक्त नहीं है। ये गलत बोल रहे हैं, ऐसी बदतमीजी आप मिश्रा जी बिल्कुल न करें। इतिहास की बात बता रहा हूँ। अरे पहाड़गंज में कितनी गर्दने कटी है मुझे बताइए, लोनी में कितनी। आरिफ साहब क्लोजिंग रिमार्क दे दीजिए प्लीज आज के सब्जेक्ट पे। मैं मिश्रा जी से दरख्वास्त करूंगा कि ये जो चार बीवियां हैं ना, ये सजा है। मैं तो एक बीवी है उसको मैं सोचता हूँ चार कैसे संभालते होंगे। तो भाई साहब हर आदमी के लिए वो इंसेंटिव नहीं है, कुछ लोगों के लिए सजा भी है। आरिफ साहब आपसे ही शुरुआत करेंगे। मेरा पहला सवाल है कि इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई और इस्लाम की जो विस्तारवाद की भूख है ये कब से कैसे शुरू हुई? देखें इस्लाम तो एक ब्रांच है जूडाइज्म की और क्रिश्चियनिटी की, ये कंटिन्यूएशन है। उसमें प्रॉफिट्स आते रहते थे, 1,24,000 प्रॉफिट आए हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम, और आखिरी नबी थे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुरान को अगर आप देखें तो 80-90% कट पेस्ट है बाइबल से, और बाइबल कट पेस्ट है तौरात से। तो ये कंटिन्यूएशन ऑफ अब्रामिक रिलीजन है। आया कैसे? तो ये 40 साल की उम्र में
मोहम्मद मुस्तफा के ऊपर वही नाजिल होनी शुरू हुई। इसके बाद मक्का में 23 साल वो रहे, 23 साल तक कुरान उन पे नाजिल होता रहा, फिर मदीना चले गए, 10 साल वहां रहे, फैला उनके बाद ही है इस्लाम, और फैला तलवार के जोर पे ही है, फैला खौफ के जोर पे ही है। जब नबी पाक का इंतकाल हुआ तो पूरे अरब में इंसर्जेंसी पैदा हो गई, कई नबी पैदा हो गए, कई लोगों ने कहा कि भाई अब मैं नबी हूँ, मैं हूँ। कुछ लोग जो लोग खौफ के मारे इस्लाम जिन्होंने ज्वाइन किया था वो इस्लाम छोड़ने लगे, तो खलीफा इस्लाम हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खालिद बिन वलीद की कयादत में कई लश्कर भेजे, और वो जो खौफ की फजा कायम की गई कि मुर्तिद की सजा मौत है और जिसने इस्लाम छोड़ दिया उसको मार दिया जाएगा, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी, तो उस खौफ ने बाद में फिर बनू उमैया ने जो काम किए वो इस्लाम का फैलने का सबब बना। तो मैं समझता हूं कि इस्लाम असल तो खौफ था, अब उसमें जो फिरके बने, तो पहले 100 साल के अंदर एक ही फिरका बना था, शिया, खारजी और शिया बने थे। खारजियों को तो बाद में कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन शिया फैलते गए, और पहले 100 साल में सिर्फ एक फिरका बना था शिया, और अकॉर्डिंग टू हदीस इस्लाम के 72-73 फिरके होंगे, और अंग्रेजों के जमाने में बहुत सारे फिरके बने। जब मिडिल ईस्ट में ऑटोमन एम्पायर को तोड़ा गया, लॉरेंस ऑफ अरबिया के हवाले से मैं बात करूंगा कि सऊदी अरब और नजद हजाज जो वहां पे सल्तनतें थी उनके मिलाकर बनाया गया, तो सऊदी अरब के जो फाउंडिंग फादर थे किंग अब्दुल अजीज, वो और उनके सुसर अब्दुल वहाब, इन्होंने वहाबी फिरका ईजाद किया। फिर वहाबी फिरके की अंग्रेजों ने ब्रांचें बनाई इंग्लैंड में, इंडिया में, इंडिया में जितने फिरके बने इतना तो दुनिया में कहीं नहीं बने। यहीं पे बरेलवी फिरका, देवबंदी, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी, यहाँ पे क्या कुछ बनता रहा। फिर एक अहमदी फिरका है जिसको के पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम करार दिया गया है। तो ये सब चीजें अंग्रेजों के जमाने में हुई थी। अंग्रेजों को ये था कि हिंदू कौम तो पीसफुल कौम है और समझौते पे बिलीव करती है, तो हिंदुओं को कंट्रोल करना इतना मसला नहीं होगा। मुसलमानों की तलवार से डरते थे, और चूंकि मुसलमानों का इंडिया में भी काफी अरसे तक हुकूमत रही थी, तो मुसलमानों की पावर को डिवाइड करने के लिए ये फिरके बनाए गए हिंदुस्तान में। जी रफी साहब, आपने आरिफ साहब को सुना, आप इस पर क्या कहेंगे? आरिफ साहब ने शुरू में तो जो कहा प्रॉफिट के बारे में, जो प्रॉफिट के बारे में, तो सही है कि वही नाजिल हुई है, प्रॉफिट के जरिए इस्लाम आया है, आसमानी किताब है कुरान, और इस्लाम भी आसमानी मजहब है, और इससे पहले इस्लाम जो ये कहते हैं इन्होंने जो कहा है कि उससे वो जुड़े हुए, तो बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जो पहले जो यहूदी थे, हजरत इब्राहिम थे पैगंबर, और उसके बाद हजरत ईसा थे, इससे पहले भी हजरत मूसा थे, हजरत नूह थे, तो ये इसमें तो कोई दोराय नहीं है कि इस्लाम जो है आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खातिमुल नबी थे, हमारे खातिमुल अंबियीन थे, ये कि इन पे नबुवत खत्म हुई है। इस्लाम दुनिया का आखिरी मजहब है, मुकम्मल दीन है, और कुरान मुकम्मल किताब है। अब ये इन्होंने कहा कि तलवार के जोर पे फैला, ऐसा तो हमें तो नहीं लगता, तलवार पे कहीं नहीं है, मोहब्बत से फैला इस्लाम और दर्द से फैला, क्योंकि देखिए अंधेरा जो होता है ना, उस जमाने में अरब में अंधेरा था, अरब में जो कुरीतियां थी तो, और कुरीतियां भी ऐसी ऐसी थी कि बेटियों को जिंदा जिंदा दफन कर दिया जाता था। तो इस्लाम जब आया, इन कुरीतियों के खिलाफ आया, तो अंधेरे में जब रोशनी की किरण होती है, उजाला होता है, तो उजाला अपने आप फैलता है। आप अंधेरे में एक मोमबत्ती जला दें, एक चिराग जला देंगे, तो उजाला अपने आप फैलेगा। यही इस्लाम का दर्श था कि इस्लाम ने तलवार के जोर पे फैला है, न खौफ के जोर पे फैला है, इस्लाम जो है जो फैला है वो कुरान जो है हमारा, कुरान एक रोशनी है, कुरान की रोशनी के जरिए इस्लाम फैला है। तो ये कह रहे हैं। बाकी जो चारों खलीफा थे हमारे, चारों खलीफा थे, और चारों खलीफा जो हमारे बरहक थे, इनके बाद जो 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 बिगड़ा, जो हालात ये बता रहे हैं जो बिगड़ा, तो ये तो जो वो वंशवाद जब शुरू हुआ ना इस्लाम में, वंशवाद जब शुरू हुआ अरब में, तब बिगड़ा है हालात, जो बिगड़े हैं तब बिगड़े हैं वंशवाद से, वरना इस्लाम तो मुकम्मल दीन है, कुरान के ऊपर चलने वाला है, और
क्योंकि इस्लाम मुसलमान का एक ही अकीदा है, एक दीन है, एक कुरान है और एक पैगंबर है, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। थॉट ऑफ इस्लाम यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो कुरान है अल्लाह का कलाम है और यही इस्लाम है बस। रफी साहब आपने जैसे कहा अभी कि शबनम मैं आपकी तरफ आऊंगी, उससे पहले रफी साहब को सिर्फ एक पॉइंट ऑफ पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि मोहब्बत से इस्लाम फैला है, दुनिया भर में इस्लाम के थ्रू जो आतंक की खेती हो रही है हम देख रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ द क्यों मुसलमान का नाम ही जुड़ा हुआ होता है, तो ये मोहब्बत कहाँ है? और दूसरी चीज रफी साहब आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि आप कितने लोगों को मोहब्बत से इस्लाम में कन्वर्ट करो, जहां कन्वर्जन है वहां मोहब्बत कैसे हो सकती है? आप दूसरे को इंसान ना समझ के उसको इस्लामिक बना रहे हैं, तो मोहब्बत कैसे हुई? आप बताइए खौफ से, मैं आपकी बातों का जवाब देता हूँ। पहली बात तो आप जो दहशतगर्दी और आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ते हैं ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम मैं नहीं जोड़ रही रफी साहब, मैं नहीं जोड़ रही, आप इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन या जो लोग हैं इन्होंने कुरान नहीं पढ़ी को इस्लाम से नहीं कनेक्टेड है? नहीं, उनको जो दहशतगर्दी वो मुसलमान नहीं है, बिल्कुल मुसलमान नहीं है जो दहशतगर्दी में, ये तो बिल्कुल उलमाए किराम ने कहा, इस्लाम बोलता है, कुरान बोलता है ये बात। अच्छा दूसरा अब मैं बता रहा हूँ, आप जोड़ रही हैं, तो जो लिंच करने वाले होते हैं जो ये यहाँ जी, आप पहले मेरे लिंच वाला इंसिडेंट अब का उसे छोड़िए रफी साहब, पहले वाला ओसामा बिन लादेन आप बात करिए। नहीं 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 आप यही प्रॉब्लम है आप लोगों की, आप सही जवाब नहीं देते जी आरिफ साहब। जी आरिफ साहब आप सीधा नहीं नहीं मैं मेरी बात सुनिए, आप हिंदुस्तान में जो लिंच कर रहे हैं लोगों को मार देते हैं, आप पहले मुझे ओसामा बिन लादेन को बता दीजिए रफी साहब, लिंचिंग का भी जवाब दे देंगे। आप पहले इसका जवाब दे दीजिए ना, आप लादेन पे जवाब दे दीजिए, पहले लादेन पहले पैदा हुआ है, ये जो इंसिडेंट अब हुए हैं ये अब हुए हैं। अमेरिका में नौगेरा कब हुआ था? अगर कोई आदमी अपने आप को मुसलमान मुसलमान कह के दहशतगर्दी फैलाता है, कोई अपने आप को आईएसआई बोको हराम आईएसआई मिडल ईस्ट किसका किया? रफी साहब आरिफ साहब आपकी तरफ होने चाहिए, आरिफ साहब नहीं, ये लिंच करने वाले कौन है? मैं आपने हिंदू मानती है, लिंच करने वालों को हिंदू मानती है आप? बिल्कुल भी नहीं मानती मैं तो हिंदू, जो लिंच करते जो भी गंदा काम करता मैं बिल्कुल नहीं मानती। कंडम करता आतंकवाद को, इस्लाम कंडम करता आईएसआई, यही तो प्रॉब्लम है, आप लोग कंडम नहीं करते, आप लड़ने लग जाते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। मोहर लगवाएंगे क्या? इस्लाम कंडम करता, कुरान कंडम करता, आप लोग आके आके आप में से पाकिस्तान तो उनको शहीद कह रहा है, कैसे इस्लाम ने कंडम कर दिया? जी आरिफ साहब जी, मैं बड़े एहतराम के साथ हमारे भाई रफी साहब से इख्तलाफ करूंगा कि अरब में बेटियों को दफन कर दिया जाता था, ये सब कहानियां हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में 40 साल बेवा औरत हजरत खदीजा से शादी की थी, हजरत खदीजा कारोबार करती थी, तो वो अरब जो कि फैलाया जाती है बातें कि जहालत थी, औरतों को हुकूक नहीं थे, वहां पे वो कारोबार करती थी कैसे, जबकि नबी पाक के इस्लाम के आने के बाद किसी औरत के कारोबार करने की जॉब करने की कोई शहादत नहीं मिलती। इस्लाम ने 50% पॉपुलेशन औरत को तो घर में बंद कर दिया, औरत को तो आधी अकल करार दे दिया, औरत की तो आधी मानी नहीं, मैं बात कर रहा हूं, किसने कह दिया हजरत आयशा उस जमाने की सबसे बड़ी आलम दीन थी, कैसी बातें करते हैं आप? मैं भी आपकी नहीं सुनूंगा, पहले आप मेरी बात सुन ले, मैंने आपकी चुपचाप सुनी सारी बात, फिर आप जवाब दीजिएगा, आपको हक है। आधी गवाही आधी विरासत, औरत को कोई हुकूक नहीं है इस्लाम में, पर्दे में बंद कर दिया, इस्लाम से पहले पर्दा नहीं होता था अरब में। अब बात आती है, आपने आज उसामा की बात कर रहे हैं, पहले चार खलीफा इस्लाम में से तीन का कत्ल होता है आपस की जंगें, नबी पाक की बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की जंग होती है अमीरुल मोमिनीन हजरत अली के साथ, दामाद रसूल की जंग होती है बीवी रसूल के साथ, 10,000 सहाबा मरे, मारने वाले भी सहाबा, मरने वाले भी सहाबा, फिर बनू उमैया आता है, बनू उमैया ने नवासा रसूल को कत्ल किया, आप कह रहे हैं तलवार के जोर पे नहीं फैला, तलवार ही चली है, मोहम्मद बिन कासिम को इधर भेजा गया सिंध फतह करने के लिए, क्योंकि खानदान रसूल यहाँ पे पना लेके बैठा था राजा दाहिर के पास, मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की बेटियों को गुलाम बना के खलीफा की खिदमत में तोहफे के तौर पे भेजा, बेटियों ने कहा मोहम्मद बिन कासिम हमारा रेप कर चुका है,
मोहम्मद बिन कासिम को गधे की खाल में लपेट के वापस बुलवा लिया। गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं। रफी साहब आप सुनिए प्लीज, उतैबा बिन मुस्लिम को सेंट्रल एशिया में बिन कासिम के बारे में गलत बोल रहे हैं। उसका कत्ल हुआ, तारिक बिन जियाद को स्पेन फतह करने भेजा, उसका कत्ल हुआ। इस्लाम की बड़ी खूनी हिस्ट्री है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। सूफियों के दौर में से नहीं फैला, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, गोरी, ये सब आते थे, इसके पीछे सूफी आते थे। तलवार के जोर पे कन्वर्जन हुए, तलवार के जोर पे फैलाए। शबनम मैं आपकी तरफ आऊंगी, आरिफ साहब ने जिस तरह आपकी तरफ, रफी साहब पहले मैं शबनम से पूछ लूं, महिलाओं की क्या स्थिति है इस्लाम में, कुरान में क्या लिखा है और जमीनी हकीकत में क्या है? शबनम देखिए, कुरान शरीफ में तो सब, कोई भी धर्म की किताब उठाएंगी ना मनुदी आप, तो आपको एकदम स्पष्ट और साफ शब्दों में अच्छी बातें दिखाई देंगी लिखी हुई। किसी में रत्ती भर भी, नुक्ता भर भी कुछ गलत चीज नहीं लिखी दिखाई देगी। लेकिन अभी अभी आपने दो की बात से ही समझ लिया होगा, आरिफ भाई ने कितना अच्छे से बताया और रफी भाई उस पर भी लड़ने को तैयार है। लड़ने की बात नहीं है, वो मोहब्बत है, वो मोहब्बत है उनकी। बात यहाँ पर यह है कि हुजूर कहते हैं कि बेटी पैदा हो गई तो हमारे सर का ताज आ गया। हुजूर कहते हैं, प्रोफेट मोहम्मद की बात कर रही हूं मैं, प्रोफेट मोहम्मद कहते हैं कि आप पढ़ाई, बेटी को भी बराबर पढ़ाइए, बेटे को भी बराबर पढ़ाइए। मतलब जो वो हमें सिखा कर गए हैं, तो ये आपसी जो वर्चस्व की लड़ाई है ना इनकी, जो इन्होंने हम पर थोपी है हमेशा हमेशा, जो मुसलमान बहन बेटियों को अभी आरिफ भाई ने बताया ना कि बाहर नहीं जाना, पर्दा ही करना है, अगर परफ्यूम लगा लिया तो हराम हो जाएगा, अगर आपने जींस पहन ली तो फिर तो भाई आप तो महानालायक और महापापी हो जाएंगी। तो ये सब इनके अपने वर्चस्व की लड़ाई का है ये सारा। और ये अभी जो बता रहे हैं कि नहीं 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 ये नहीं, अरे जो जो सहाबा थे, जो बड़े हमारे हेड थे चार, वहां क्या था, किस चीज की लड़ाई थी आप बताइए? सब हुजूर की बात मानते चलते आगे आगे? नहीं, एक ने कहा मैं ये बता रहा हूँ, एक ने कहा मैं ये बता रहा हूँ, एक ने कहा मैं ये बता रहा हूँ, फिर हमने जिसको ये चुनना था उसने ये चुन लिया, जिसको ये चुनना था उसने ये चुन लिया। मतलब राहें अलग अलग बता दी, कुरान शरीफ की एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं बताई। ये तो कोई डिनाय कर ही नहीं सकता कि कुरान शरीफ पे आप चल ही नहीं रहे। मुसलमान कौन सा कुरान शरीफ की बात पे चल रहा है, पूछ लीजिए जरा। अरे और फिर आतंकवाद को आप कह रहे हैं धर्म से मत जोड़िए, क्यों नहीं जोड़ेंगे धर्म से? भाई क्या जितने आतंकवाद के जितने भी किस्से कहानी हमने आपने आज तक मनुदी सुने हैं और आंखों से देख रहे हैं लाइव, सुने हुए तो छोड़ दीजिए, जो हम आंखों से देख रहे हैं, क्या वो मुसलमान नहीं कर रहे हैं? क्या क्या आपकी हमारी ड्यूटी मुसलमानों की सिर्फ यही है, यहाँ बैठ के झूठी बातें करके कुछ चंद मुसलमानों का अच्छा अच्छा वाहवाही ही बटोरना? नहीं, हमारी ड्यूटी है जो गलत हुआ है उसको सही ट्रैक पर लेकर आना, जो गलत कर रहे हैं उनको भी सही ट्रैक पर लेकर आना, और कहीं खामी है, कोई कमी है, उसको माफी मांगना, और फिर जो हमारे भाई बंधु, जो वो भी तो मुसलमानी है ना जो टेररिज्म कर रहे हैं, उनको भी तो सीधी राह पे लाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आप तो ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं, मैं तो मुसलमान हूं, मेरे को तो, हम तो नहीं है ना, हमने तो कुछ नहीं किया ना। अरे हमने नहीं किया, हमारी कौम का एक आदमी भी खराब होगा तो हम उसे सीधा नहीं करना चाहेंगे? मतलब कौम के लिए कुछ नहीं करेंगे ये, बस अपना पट्टा दिखा देंगे, देखो मेरा तो ये रहा पट्टा, मैं तो साफ सुथरा हूं, बाकी सब तेल लगाइए, भाड़ में जाइए। ऐसे नहीं चलेगा रफी भाई, आपको इस्लामिक लोगों को अच्छी राह भी दिखानी होगी, चाहे इसके लिए, मनु दी शायद हमारी बातें कड़वी लगती हो कुछ मुस्लिम भाइयों को, लगती हैं, नाराज होते हैं, लेकिन जब आप हम बैठ के बताते हैं, समझाते हैं, तो समझते हैं, सब लोग समझते हैं कि इस तरीके के लोगों ने उनका इस्तेमाल किया है, समझते हैं कि इस तरीके के लोग जो झूठी बातें करते हैं चैनलों में बैठकर, सिर्फ झूठी कोरी वाहवाही बटोरने के लिए करते हैं। आप मानिए जो कमी है उसको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे हमें आगे बढ़ना होगा। प्रोफेट मोहम्मद ने जो हमें अच्छी बातें सिखाई, हमें उसको कैसे आगे लेके चलना है, या हमें आपसी भंवर में ही फंसा के रखना है कि मैं उनका मानने वाला हूं तो मैं अलग राह पकड़ लूंगा? ये कट्टरवादी तक किसने सिखाई है? ये आरिफ भाई की मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं रहती हूँ कभी भी कि इस्लाम धर्म यूं, इस्लाम धर्म, धर्म कोई खराब नहीं है, फिर उसको जो आगे बढ़ाता है ना, माँ बाप बच्चे को पालते हैं, किसी के माँ बाप ये नहीं कहते जाइए चोरी कर लीजिए बेटा, जाइए किसी की पिटाई कराइए बेटा, जब माँ बाप ये नहीं सिखाते तो धर्म कैसे सिखा सकता है? लेकिन उसको जो फॉलो करने वाले हैं वो फिर उसको कैसे लेके आगे चलते हैं?
कोई एक बच्चा माँ बाप का नाम रोशन करता है, कोई एक बच्चा तिहाड़ जेल में भी बंद है उनका। तो ये जिसने जो राह पकड़ ली वो उधर ही चला गया, बस ये इतनी बात है। ये रफी भाई को नहीं समझ आएगी, ये बहस ही करते रहेंगे और मुसलमानों को कभी सही दिशा की तरफ नहीं जाने देंगे। पर हम भी छोड़ने वाले नहीं है, हम भी सीधी राह पर लेकर ही आएंगे इनको, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए जो ये बहन शबनम कह रही है, इनको हक का कहने का, ये जो ये इसी भाषा में बात करेंगे, ये इसी भाषा में बात करेंगे जैसे आरिफ कर रहे हैं या एक तो आपका भी तो अपना ट्रैक है रफी साहब, आपने कौन सा उनकी नामे ना मिला दी तो आप उनको पॉइंट आउट मत कीजिए कि ये इसी भाषा में बात करेंगे। वो तो सही बात है मनु जी, ये तो हम कुरान की बात कर रहे हैं, ये तो हम तो कुरान की बात ही बता रहे हैं। हम कुरान की बात कर रहे हैं, कुरान की बात नहीं कर रही है आप। क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सबने कुरान नहीं पढ़ा, हम हदीस की बात क्या कुरान में, कुरान में क्या लिखा है कि आतंकवाद फैलाइए, कुरान में ये लिखा है, लिखा है क्या मुसलमान मुसलमानों की क्या ऐसी की तैसी करा रहे हो यहाँ बैठकर ऐसी बातें कर कर। इस्लाम को इस्लाम से जोड़ रही, और उन्हें कत्ल करते रहो यहाँ तक के दुनिया से फितना खत्म हो जाए और सब अल्लाह के मानने वाले हो जाएं, बस अगर वो बाज ना आए और इस्लाम कबूल ना करें तो सिवाय जालिमों के सब पे ज्यादती करो। खुदा अपनी इल्हामी किताब में 30 से जायद बार कत्ल करने का हुक्म देता है। रफी साहब यहाँ मोहब्बत कहाँ है? अब आरिफ साहब ने गलत तो नहीं पढ़ा? नहीं, ये पढ़ सकते हैं, ये कुरान में सीधा नहीं पढ़ सकते, वो अपनी तरफ से लिख के सामने पढ़ रहे हैं रफी साहब, वो अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहे हैं। आप भी पढ़ लो फिर, मैं बता रहा हूँ ना, कुरान में तो लकुम दीनुकुम वलिया दीन लिखा हुआ है, आप अपने दीन पे कायम रहो, हम अपने दीन पे कायम है, तो हम तो नहीं दीन अलग, दीन अलग अलग कैसे हो सकते हैं फिर, कुरान तो एक ही हो सकते हैं और सबने एक ही पढ़ी है रफी साहब। अरे बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, सुनो, मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने आपको कहा कि आप लकुम दीनुकुम पे भी आप तो कायम नहीं हो, आप तो उसमें भी कायम नहीं हो। मैंने तुम्हारी बात सुनी ना, मैंने आपकी बात सुनी, आप सुनो मेरी बात, मैंने ये कहा इस लहजे में मेरे से बात नहीं करना, आप शांति से प्यार से, आप शांति से प्यार से, रफी साहब प्लीज, रफी साहब हम लाइव हैं प्लीज, मैंने आपकी बात सुनी है, आप मेरी बात सुनो, वो वाली महिला मत समझिए ना, शांति से प्यार से, शुरू में प्यार मोहब्बत की बात की, आपको जो भी बोल रहे हैं भड़क गए, आप चुप रहिए तभी बोलूंगा नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते, आप चुप रहिए, आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रख लेंगे, अब वो आपकी सुनेंगे, आप बोलिए, आप इंटरप्ट नहीं कर सकती ना, उंगली उठा के आप बोलिए, नहीं आप भी तो वही कर रहे थे, आप भी तो वही कर रहे थे कि गलत बोल रही है, आप भी थोड़ा सा मर्यादा रखना चाहिए, रफी साहब लड़ाई मत कीजिए प्लीज, आप तो ईमान वाले हैं, हम तो काफिर हैं, आप क्यों लड़ने वाले, कोई काफिर नहीं है, काफिर शांत है, जो ईश्वर को नहीं मानता, काफिर की डेफिनेशन है, जो ईश्वर को नहीं, नास्तिक को काफिर कह सकते हैं, लेकिन जो ईश्वर में विश्वास नहीं, आप में तो हमें पता नहीं कितने मुसलमान भाई कह रहे थे आप तो काफिर है, उनको क्या पता मेरी आस्था किस में है, लेकिन ये है कि मैं उनको गीता नहीं पढ़ाती। अब आप मेरी बात को डिटेल करना चाहेंगे, मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं कि जो लिंच करते हैं, लिंच करते आप पहले ये बताइए, आप लिंच का, मैंने आपको बता दिया कि हमारा ये लिंचिंग हो रही है, जिस तरह का भी गंदा काम हुआ देश में, आप उसको छोड़िए, रफी साहब बोल रही है, वो तो गलत बात को बोल रही है, रफी साहब जो गलत है वो गलत है, हम कोई चीजों को धर्म से जोड़ते ही नहीं, ना आप हिंदू धर्म में विस्तार हमेशा ही होता रहा, यहाँ बंद दिमाग वाले लोग नहीं है। दूसरी चीज, मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए, रफी साहब आप रफी साहब आप सुनिए, तलवार के जोर पे फैला, इस्लाम कहीं तलवार के जोर पे नहीं फैला। अच्छा आप मेरी बात, अच्छा मेरी एक बात बताइए रफी साहब, मिडल ईस्ट में आप मेरी एक बात सुनिए पहले, कुरान को रोशनी मानते हैं कि नहीं, आप मुझे ये बताइए मिडल ईस्ट में कौन दूसरा गया हुआ है वहाँ पे, जो ये सिविल वार में सारे मुस्लिम देश फंसे हुए हैं, कौन सा दूसरा देश वहाँ पे गया हुआ है मुझे बता दिए, हिंदुस्तान वहाँ कब गया है, मुस्लिम वर्ल्ड आप उसमें क्यों लड़ रहा है, आपको कह रहे मोहम्मद का पैगाम देता है, आप हिंदुस्तान को क्यों लेके आ रही है, अरब में जो हो रहा है, आप और मैं हिंदुस्तानी है भाई, क्यों नहीं लेके आएंगे, आप और मैं हिंदुस्तानी है, यूरोपियन यूनियन नहीं है, उसमें अमेरिका नहीं है क्या, रहने दो, आपने कहा कि इस्लाम जो है तलवार के जोर पे नहीं फैला, तो मुझे बता दिया मुस्लिम वर्ल्ड में प्यार मोहब्बत क्यों नहीं है, सद्दाम हुसैन को किसने मारा था, वो आतंकवादी था, आप मुझे यह बता दीजिए मुस्लिम वर्ल्ड में प्यार और अमन और शांति क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, अमन शांति है वहाँ, तो जो अभी ये अमेरिका 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 का रोल नहीं था वहाँ, आप
आप यह बताइए तो आप सीरिया जाके बसेंगे, आप सीरिया जाके बसेंगे, अमन और शांति है तो मुस्लिम मुस्लिम को क्यों मार रहा है, ये पूछ रही है मनु दी। यही पूछ रही हूँ मैं, मुस्लिम मुस्लिम को क्यों मार रहा है। मुगल्स आए, सारे खूनी जंगे, बाप ने बेटे को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया, भाई को मार दिया, तक तो दास ले रहे हैं, ये कौन किया? वो तो रजवाड़ों में भी होता है, अच्छा, वो तो रजवाड़ों में भी होता है। आप आपने रजवाड़ों में, मैंने आपको ये नहीं कहा कोई और दूसरा था मोहब्बत का पैगाम देता, आपने पहली लाइन बोली इस्लाम प्यार मोहब्बत से फैला है, तो ये प्यार मोहब्बत है कहाँ? तो आप उनको कैसे जोड़ रहे हो इससे, उनको कैसे जोड़ रहे हो इससे? आपके शब्द को जोड़ रही हूँ मैं तो आपके शब्द को जोड़ रही हूँ। आपने अरे साहब ने कहा तलवार के जोर पे फैला, आपने डिनाई कर दिया, तो आप प्यार मोहब्बत दिखा दीजिए। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, जो राजशाही के टाइम में जो कुछ हुआ, वंश परंपरा जब शुरू हुई है, उनके जब तक खिलाफत थी तब तक तो ऐसा नहीं था, खिलाफत वंशवाद तो इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता मनु जी। अरे खिलाफत के स्टार्ट में चार खलीफा में से तीन खलीफा आपस में मार दिए गए, सहाबा ने मारा उनको, आप आज की बात कर रही है, मैं उनको जिनको नबी पाक खुद सिखा के गए थे, जो जिन्होंने जिंदगी नबी पाक के साथ गुजारी, वो आपस में लड़ते मरते रहे। हजरत उस्मान गनी तीसरे खलीफा, तीन दिन तक इनकी लाश सड़ती रही सड़क पे, कोई उठा नहीं रहा था, खलीफा इस्लाम थे वो, आप आज दे रहे हैं जिनकी मारा, वो शहीद उनको जो शहीद किया खलीफाओं को, जो खलीफाओं को शहीद किया वो तो मुर्तद थे, मुसलमान थोड़ी थे, वो नाम का मुसलमान होने से मुर्तद मुसलमान हो जाएगा वो जमल क्या थी, हजरत आयशा की हजरत अली के साथ जंग क्या थी, उसमें कौन से खारजी थे, एक नबी पाक की बीवी थी, एक नबी पाक का दामाद था, उसको आप कैसे देखेंगे? वो कुछ आदमियों ने, कुछ लोगों ने गलत फहमियां, जो बीच के लोग थे उन्होंने गलत फहमियां पैदा की थी, बाद में सुलह हो गई थी, बाद में गलत फहमियां दूर हुई थी दोनों की, पता नहीं कौन सी किताब पढ़कर आए। अरे आप अधूरी बातें क्यों बता रहे हैं, बाद में वो अगर हजरत आयशा और हजरत अली के बीच जंग हुई थी तो वो फिर वो दूरिया खत्म, प्रोफेट मोहम्मद के चाचा ने लास्ट तक, प्रोफेट मोहम्मद के चाचा ने लास्ट तक इस्लाम नहीं कबूला था। 10,000 सहाबा कत्ल हुए थे जंगे जमल में, 10,000। आप हजरत अबू तालिब ने बेशक इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला था, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल दफा किया था, उनकी सुरक्षा की। अल्लाह अलग बात होती है, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया था, जबकि प्रोफेट मोहम्मद को पाला पोसा, लेकिन पुरखों के धर्म को नहीं छोड़ सकता, ये इनके अल्फाज थे। रफी साहब मिश्रा जी आप बताइए, अब आपने काफी शांति से सुना आरिफ साहब को भी, रफी साहब को भी, शबनम को भी, जरा आप भी रोशनी डालिएगा। थैंक यू मैम। देखिए आपके सभी जो सम्मानित पैनलिस्ट बैठे हैं, ये टॉपिक बड़ा इंटेलेक्चुअल है और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, और सभी पैनलिस्ट से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा मुझे सुनिएगा, क्योंकि मैं इसको दीनी तौर पर नहीं लेके जाऊंगा कि इस्लाम सही है या गलत है, और मैं पहले डिक्लेयर कर देना चाहता हूं, ना मैंने कुरान पढ़ी है ना हदीस पढ़ी है, जो चीजें प्रैक्टिस हो रही हैं उसको मैं देख करके, ये मेरी एनालिसिस है और साइंटिफिक एनालिसिस होगी, कोई सभ्यता या कोई चीज कैसे क्यों बढ़ जाती है। तो एक चीज और मैं डिफिनीशन क्लियर कर दूं, पैरामीटर क्लियर कर दूं, मैं मानने के लिए तैयार हूं, चूंकि मैंने तो पढ़ा नहीं है तो मैं मान लेता हूं कि भाई कुरान हदीस में हर चीजें बड़ी मोहब्बत की लिखी है, बहुत अच्छी लिखी हुई है। एक धर्म के दो पार्ट होते हैं, लिटरेरी पार्ट होता है जो किताबें होती हैं, मैसेज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, दूसरा उसको फॉलो करने वाले जो प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं। अब जितने मुस्लिम हैं उन्होंने तो पढ़ा है, लेकिन जो गैर मुस्लिम है जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इस्लाम का परसेप्शन ऐसे ही डेवलप करेंगे कि जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा बिहेव करते हैं। तो इसी बेसिस पे ये मेरी एनालिसिस रहेगी। आप चलिए उस वक्त जब इस्लाम पैदा हुआ था, ये क्वेश्चन बड़ा वाजिब है, आपका जो टाइटल है बड़ा वाजिब है, वहां नदियां नहीं थी, खेती नहीं होती थी, रेत ही रेत होते थे, एक सभ्यता के डेवलप होने के वहां पे सबसे कम चांसेस थे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, ये सब अगर डेवलप हुई तो यहाँ पे आदमियों के भरण और पोषण के लिए प्रकृति ने हर चीज दी थी, खेती होती थी, जंगल होते थे, नदी थे, पानी थे, हर तरीके का खाना पीना था। तो ये एक वैज्ञानिक कारण था, जहां पे रिसोर्सेस बहुत ज्यादा नेचर ने दिए हैं, सभ्यताएं वहीं पे डेवलप हुई। ये एक इकलौता ऐसा एग्जाम्पल है कि रेत में जहां पानी भी नहीं मिलता था वहां से ये पैदा हुए और पूरी दुनिया में छा गए।
मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक दो साल पहले की बात है, जितने बच्चे दुनिया में पैदा हुए उसमें से 31% यानी 1/3 आप समझ लीजिए वो इस्लाम के थे। देखिए कैसे एक्सपेंशन हो रहा है, मैं पॉइंट केवल एक्सपेंशन पे रखूंगा कि इनका मूड ऑफ एक्सपेंशन क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, क्यों ये डेवलप कर गए। दूसरी चीज मैंने उसमें ये भी पढ़ी थी कि लगभग 2 बिलियन के आसपास मुस्लिम है, 1.6 या 1.8 पूरी दुनिया में। इस हिसाब से लगभग हर 4 में से एक आदमी यानी 25% मुसलमान है। पैदा कहाँ हुआ था? अरब। आज अरब की पॉपुलेशन कितनी होगी? सऊदी अरब की पॉपुलेशन 7-8 करोड़ है, पूरे गल्फ की मिला देंगे तो होगी 25-50 करोड़ के आसपास होगी, जितना तो इतना तो यूपी के इंडिया में एक दो स्टेट में हो जाता है, 22 करोड़ तो यूपी की है, 22-25 करोड़। अब ये एक्सपेंशन कैसे हुआ? दो चीजें होती हैं मैम, कोई भी एक जो है कबीला या आदमियों का ग्रुप एक्सपेंड कैसे करता है, एक्सपेंड करने के लिए जो बेसिक और मूलभूत चीजें चाहिए वो बहुत गजब की इसमें है। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, आप इसको दीनी उस पे मत लेकर के जाइएगा। ये मान लीजिए कि भगवान या खुदा ये नहीं होते हैं, इस धरती पे कोई एक ग्रुप कैसे बढ़ जाता है साइंटिफिक, एक वो देखिए, इसमें एंथ्रोपोलॉजी की भी स्टडी आ जाएगी, सोशोलॉजी की भी आ जाएगी, हिस्ट्री की भी आ जाएगी, दीन की भी आ जाएगी, बहुत सारे जगह से स्टडी करने के बाद ये कंक्लूजन आते हैं या निकाले हैं, मैंने डिराइव किए हैं। देखिए सबसे पहले जिन्होंने दीन को फैलाया, इस्लाम को जिन्होंने फैलाया, अच्छे थे बुरे थे मेरा इस पे कोई कमेंट नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से बहुत जबरदस्त विजडम था फ्यूचर का। फ्यूचर का विजडम कैसे था? किसी भी धर्म के दो पार्ट करिए, इंडेमिक यानी जो उस धर्म के धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके लिए नियम और कानून क्या है, और जो उनसे मुख्तलिफ हैं, जुदा हैं, उनके लिए क्या है। आपके अपने घर में नियम कानून कुछ और होते हैं, बिहेवियर कुछ और होता है, आप बाहर जाते हैं तो दूसरे तरीके से बिहेव करना शुरू करते हैं। तो जिन्होंने इस्लाम धर्म को फैलाया, क्या था, सही था, गलत था, क्या था, नहीं था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो बहुत विजनरी टाइप का उनका अप्रोच था। विजनरी कैसे था? सबसे पहले अपने आप को सेव करना, और केवल एक दो दिन या अपनी जिंदगी के लिए नहीं, आगे हजारों साल तक अपने आप को, अपनी सुपरमेसी को सेव करके रखना। इसके लिए उसमें एक फलसफा ये आ गया, वो सही है गलत है वो आप लोग देखिएगा, कि भाई मैं ही एक मैसेंजर हूं, भगवान एक ही है यानी खुदा, कोई और दूसरा नहीं है, यानी उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपनी सुपरमेसी को हमेशा के लिए इस्टेब्लिश करने के लिए, कि मेरे सिवा। और रफी साहब बाद में बोलिएगा, मुझे बोल लीजिए, मुझे उतना इल्म नहीं है कुरान का, लेकिन लब्बुल वाब जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, और उस दीन के लिए ये चीजें। तो पहली सुपरमेसी उन्होंने रूल ही प्रिंसिपल बहुत सही तरीके से बनाए ग्रो करने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ग्रो करने के लिए होती है, इनके पास इल्म नहीं था, बहुत सारी चीजें नहीं थी। अब हुआ क्या, इनिशियली पहले कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया तो उसके बाद वो बढ़ता गया, ग्रुप बना, ग्रुप के बाद उसमें पॉलिटिक्स आ गई यानी बादशाहत राज्य वगैरह हुए, फिर लूटपाट हुई पूरी दुनिया में। अब इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा कैसे हुआ। शुरू में कुछ लोग थे, कमजोर थे, तब दूसरे लोगों को कैसे जोड़ा गया, एक सभ्यता वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। मैं एक चीज बोलता हूं, इस्लाम में एक चीज बड़ी खूब है, मैं बताऊं, जो अधिकार लाइफ के, प्रैक्टिकल लाइफ के, जन्नती की मैं बात नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल लाइफ में जो भूख प्यास दौलत इनकी जो चाह होती है, इस्लाम में जो अधिकार किसी बादशाह को है वही अधिकार एक झोपड़ी में रहने वाले को भी है। अब इसका असर देखिए, मेरे कहने का मतलब है इस्लाम में मोटिवेशन या इंसेंटिव इतना अच्छा दिया गया है अपने टास्क को पूरा करने के लिए कि दुनिया की बड़े से बड़ी कंपनी आपको उतना अच्छा इंसेंटिव नहीं देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी बड़ी से बड़ी एमएनसी के सीईओ बन जाइए, आपको वो इंसेंटिव लाइफ के वो ज्वाय नहीं मिलेंगे जो इस्लाम कबूल कर लेने पे एक झोपड़ी मिल जाता है। कौन सी कंपनी टारगेट पूरा करने पे आपको 4 बीबियां रखने का हक देगी? कौन सी कंपनी अपना टारगेट पूरा कर लेने पे आपको 4 बीबियों के साथ साथ लौंडिया रखने का भी हक देगी? कौन सी कंपनी आपको यह अधिकार देगी या इंसेंटिव देगी कि अपने टारगेट पूरे करो तो आपका जो विरोधी कंपनी वाला है उसको कैसे भी करके नेस्तनाबूद कर दो, सब जायज है और उसमें आपको जन्नत मिलेगी? मतलब सिन, फीलिंग ऑफ सिन, पाप की फीलिंग बिना आने पाए लोगों के। अच्छा, अब इंसेंटिव देखिए क्या है, बीबियां जो है 4 बीबियां बादशाह भी रख सकता था, वही इंसेंटिव झोपड़ी में रहने वाले एक मुसलमान को भी है। झोपड़ी में रहने वाला एक मुसलमान अगर बोले कि 4 बीबी मैं रखूंगा तो इस्लाम जगत का कोई आदमी मना नहीं कर सकता। राजाओं को, बादशाहों को छोड़ दीजिए, उनके पास पैसे होते थे, स्टेटस सिंबल होता था, वो रख सकते थे। अच्छा, और इंसेंटिव देखिए यहाँ पे क्या है,
जब आप देखिए प्यार और मोहब्बत से करिए, ठीक है मैं मानता हूं इतने लोग कन्वर्ट हुए, यहाँ कंपैरिजन ये है कि इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स, जिनके पास रिसोर्स नहीं है, जिनके पास इल्म नहीं है, टेक्नोलॉजी में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, ह्यूमनिटी में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, उनके बढ़ने की स्पीड दूसरों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, ये यहाँ पे पॉइंट है। ये क्यों है? अब इन्होंने एक मुकम्मल कर दी किताब की जो इस्लाम है सुपरमेसी को वो करने के लिए कि उसमें एक नुक्ता भी नहीं जोड़ा जा सकता है। मैं दूसरे धर्मों की बात नहीं करता हूँ, सनातन की बात करूँ, यहाँ पर वो तो हर धर्मों की किताबें अपनी नहीं 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 जोड़ा जा सकता नहीं 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 मैम सुनिए मैं बता रहा हूँ, सनातन धर्म की जो स्थापना हुई है किसी एक आदमी ने नहीं की है, लोग आते रहे, अपने अपने वैल्यू एडिशन देते रहे लाइफ के हर हिस्से में, और आज भी ये जारी है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। हम गीता में कितने अमेंडमेंट हुए हैं आप बता दीजिए जरा, एक चीज मुझे आप ये बताइए तो, मैं तो वही मेरी भाषा तो आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव हो या निगेटिव हो दूसरी चीज है, आप कुरान में कितने अमेंडमेंट हुए मुझे बताइए जरा। अरे कुरान में हो सकता है सर, गीता के बाद नहीं गलत गलत कंपैरिजन सर, गीता के बाद भी ऐसे बहुत सारे भाष्य टीका वगैरह लिखे गए हैं, कॉन्टिन्यूस क्लींजिंग टीका लिखना और श्लोक लिखना दोनों अलग अलग चीजें। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बहुत सारी प्रथाओं को जो चीजें हिंदू समाज को सनातन समाज को गलत लगी उनको खत्म कर दिया गया सर। रफी साहब एक गेस्ट को बोल देने दीजिए, मैं आपसे इस पे भी करूंगा, मैं बेस बता रहा हूँ कि सनातन का बेस क्या मेरे बीच में बोल दिया, सनातन का बेस ये है कि कोई भी आदमी आके मोहब्बत बढ़ाइए रफी साहब दूसरे को भी, कोई भी आदमी आके कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। अच्छा दूसरी इस्लाम के इस्लाम या उसके मानने वाले, मैंने पहले ही बोला है हो सकता है कुरान हदीस वगैरह बहुत अच्छी हो, मैंने पढ़ा नहीं है, हो सकता है मोहम्मद साहब बहुत अच्छे रहे हो, उनके बाद के जो परसेप्शन ये डेवलप हो रहा है फियर का हर चीज का उसके पीछे रीजन है, ये हर पॉसिबल तरीके को इन्होंने इंसेंटिवाइज कर दिया है। कोई आदमी प्यार और मोहब्बत से मान जाए तो सही बात है, नहीं माने तो तलवार भी उसके लिए जायज है और उसको कोई गलत नहीं बोलेगा। और करंट में भी ये प्रैक्टिस है, हरियाणा में निकिता करके एक लड़की का उसको गोली मारी, उसके माँ का स्टेटमेंट सुन के हैरान कर देने वाला है, उसके माँ ने बोला अरे वो निकाह के लिए इस्लाम कबूल करने के लिए हाँ कर देती, निकाह कर लेती, क्या कमी है हमारे अंदर, हम एमपी भी हैं मिनिस्टर भी हैं हमारे घर में दौलत है, ये सोच है इस्लाम के औरतों की आज 21वीं सदी में, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जहाँ पे इतने तगड़े इंसेंटिव दिए हैं, मतलब मरने के बाद भी इंसेंटिव है, सुनिए रफी साहब, सुनिए सर, पेशेंस रखिए, मरने के बाद भी बड़े जबरदस्त इंसेंटिव है मैम, यहाँ पे आप जाएंगे जो चीजें आप पृथ्वी पे नहीं भोग पाए आपको जन्नत में मिलेंगी, 72 हूरे, ये शराब वो शराब, पूरे दुनिया के लोग तो मिलके वो शराब बना नहीं पाए। अरे सर सुन लीजिए ना, आप बीच में बोल रहे हैं, मैंने बोला आप, अरे आप सुनिए, आप सुन लीजिए, आप पहले सुनिए, अफवाहों को भूल जाते हैं रफी साहब, हम दिल्ली की मीडिया में नहीं बैठे हैं प्लीज। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं इनको जवाब दे दूँ, अरे इंद्र की अप्सराएं इसलिए नहीं मिलेंगी कि एक मुसलमान का हिंदू धर्म न मानने वालों का गर्दन काट के लाओ, आपके यहाँ हूरे कहाँ मिलती है, बम लगा के उड़ा लो तो हूरे मिलेंगी, आपके यहाँ हूरे कहाँ मिलेंगी, काफिर की गर्दन काट लो तो हूरे मिलेंगी, आपके यहाँ हूरे कहाँ मिलेंगी कि तलाक दे के हवाला कराओ तो हूरे मिलेंगी, ये पैरामीटर है आपके यहाँ हूरों को पाने का, आपके यहाँ हूरों को पाने का पैरामीटर मैं बता रहा हूँ, मुल्लाओं का पैरामीटर है ये, मुल्लाओं ने यही सिखाया है। जो देखिए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अरे रफी सर हमें इससे मतलब नहीं है क्या लिखा है, मैंने नहीं पढ़ा है, जो आप प्रैक्टिस करेंगे जो सारे, हो सकता है 2-4-6-10% मुसलमान बहुत अच्छे हैं लेकिन उनकी कोशिश का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी कोशिश जो मैक्सिमम मुसलमान, अरे सर वही तो, अरे टेक्स्ट में लिखा हुआ है ऐ लोगों तो आप प्रैक्टिकल फॉलो क्यों नहीं करते हैं, जब प्रैक्टिकल बोलने की बात आएगी तब ऐ मोमिन हो जाएंगे, केवल मोमिन के लिए दुनिया की सारी फैसिलिटी है, तब नहीं मिलेगा, तब ऐ लोगों को बात नहीं होगा, तब ऐ मोमिनों की बात होगी, तब ऐ जिहादियों की बात होगी,
मस्जिद में जब बात की जाएगी तब ए मोमिनों ए जिहादियों की बात होगी। समझिए सर, मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, मुझे अपनी वैज्ञानिक व्याख्या को मुझे अपनी आप सुन लो की बात कर रहा हूँ वर्तमान हिंदुस्तान की जहाँ पे ये। अरे ए मोमिन रफी साहब, किसी से इस्लाम पता चलता है? सभ्यता क्या है? मैम सुनिए, सभ्यता क्या है? कौन इस्लाम? इन्होंने आधे घंटे बोला, सारे पैनलिस्ट ने 45 मिनट बोला, मैंने चूं तक नहीं किया। ये सनातन सभ्यता है और ये बीच में ही एग्रेसिव हो गए। ये कहिए, ये इनको देख लीजिए कहीं तलवार लेके तो नहीं बैठे हैं, अभी गर्दन उड़ा देंगे। सहनशीलता नाम की चीज नहीं है, सहनशीलता दिख रही है किसने कितना है। तो लेट मी कंटिन्यू। मेरे कहने का मतलब, जल्दी सम अप कीजिएगा क्योंकि हमारे पास टाइम प्रैक्टिकल 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 सर्वाइवल के लिए मुसीबतों से लड़ने के, तीनों को निपटना पड़ रहा है, मुझे टाइम जरूर देना। प्रैक्टिकल सर्वाइवल के लिए एक एक घंटे का, अगले में आपको ज्यादा टाइम दिया जाएगा जी। प्रैक्टिकल ग्रोथ के लिए, प्रैक्टिकल सर्वाइवल प्रैक्टिकल ग्रोथ के लिए जितने हुनर चाहिए, चाहे सही हो चाहे गलत हो, उसको प्रिंसिपल इन्होंने बना दिया। 10 साल तक पहुंचते पहुंचते हर मुस्लिम बच्चा मोमिन बन जाता है, यानी उसको पता है उसका दुश्मन कौन है, दुश्मन के साथ बिहेव कैसे करना है। उसके पूरे लाइफ का जो टास्क होता है, इंजीनियर बने डॉक्टर बने, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज वो जरूर करेगा, इस्लाम का एक्सपेंशन। 1.2 बिलियन आदमी जब एक डेडिकेटेड टारगेट के लिए तैयार रहेंगे अपनी जिंदगी में, ओसामा बिन लादेन जैसा इंजीनियर जब अपनी पूरी कमाई छोड़ करके इस चीज में लिप्त हो जाएगा, तो इस्लाम नहीं बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? हमारे आपके दूसरे धर्म बढ़ेंगे जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और पहले दूसरों की मदद की जाए, अब अपने घर में खाना हो। इनके यहाँ क्या होता है, मदद होती भी है तो केवल इस्लामिक जो है सेक्ट को मदद होती है। मुझे बताइए जरा एक उदाहरण कि कहीं पे भी आपदा कुछ आई हो तो दूसरे लोगों को उसी खुले दिल से मदद किया गया हो इस्लामिक कम्युनिटी या कंट्री ने? बहुत रेयर एग्जांपल मिलेंगे। जो जनसंख्या में आपकी हिस्सेदारी है, 40% जनसंख्या में हिस्सेदारी है और कंट्रीब्यूशन कितना है मुझे बताइए? 40% जनसंख्या में हिस्सेदारी है और कंट्रीब्यूशन कितना है? ह्यूमैनिटी को मुझे ये बताइए। रुकिए, पूरी फिलॉसफी ये है कैसे भी करके एक आदमी तलवार उठाएगा, दूसरा आदमी साइड में आके प्यार मोहब्बत की बातें करता रहेगा। मिश्रा जी हो वैसे करके, मिश्रा जी रुकिए, मिश्रा जी रुकिए, रफी जी आपके 5 मिनट, रफी साहब आपके 5 मिनट जी प्लीज। सबसे पहले मैं मिश्रा जी की इस बात का जवाब देता हूँ कि मुसलमानों ने कभी कहीं किसी आपदा में या किसी में रेयर कोई काम किया हो। अरे मैं करंट बता रहा हूँ हिंदुस्तान में जो अंतिम संस्कार के लिए आज ऐसी अनेक संस्थाएं, इंदौर में भी, पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम संस्थाएं ऐसी फैली हुई है जो शमशान भूमि में हिंदुओं का, कोरोना बॉडियों का जो अंतिम संस्कार कर रही है लोगों को। कितने परसेंट सर, कितने परसेंट होगा मुझे बताइए? मिश्रा जी रुकिए, 40% की पॉपुलेशन दुनिया में कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है ह्यूमैनिटी में आपका मुझे बताइए? एक्सपोर्ट जो हुआ है सऊदी अरब से, जो ऑक्सीजन आया है उस पर रिलायंस का स्टिकर लगा दिया जाता है चोरी छिपे। मैं बता रहा हूँ 1400 साल में पहली बार एक टैंकर आ गया, एक मीट्रिक टन, नहीं, एक टैंकर सऊदी अरब से आ गया 1400 साल में कितना लूट के लेके गए हैं मुझे बताइए? अरे तख्ते ताऊस की कीमत भी कुछ नहीं है सर, ये टैंकर की कीमत कुछ नहीं है। 1400 साल में एक टैंकर आया है, 1400 साल में एक टैंकर आया है, 1400 साल में एक टैंकर आया है सर। इसके पहले तो नंगी तलवारें लेके आते रहे हैं, लूटते रहे हैं। आपने जितना दान दिया, जितनी आपने मदद की, 1400 साल में कितना लूटा है जरा वो बता दीजिए। कितना लूट, कितने लोगों को मारा है आपने एक की मदद की, कितने लोगों के गर्दन आपने उड़ाए हैं जरा ये बताइए। जहां आप बैठे हैं दिल्ली के पहाड़गंज में लाखों लोग एक दिन में कत्ल कर दिए गए हैं, इस्लाम के नाम पे कत्ल किए गए हैं। अरे सरहद हो गई, लाखों लोग एक एक दिन में पहाड़गंज में एक एक दिन में कत्ल किए गए हैं। प्लीज रुकिए, अरे क्यों सुने सर गलत बात? 40% पॉपुलेशन में कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है ह्यूमैनिटी का 1400 सालों से बताइए जरा। मिश्रा जी मेरी बात सुनिए मिश्रा जी प्लीज, हमारे पास टाइम कम है, रफी साहब जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जल्दी से खत्म कर रहा हूँ। 800 साल का मुसलमान होगा राजा,
है कि नहीं, सल्तनत रही है, हम तब भी 20% थे, आज भी 20% है, कितने कितनी सल्तनत रही है, मुगलों की सल्तनत रही है, उससे और वो तो आपका बस नहीं, आपका 20% है, लेकिन आपका टारगेट है 80% होने का। मैं एग्जांपल कश्मीर में देखिए कितने परसेंट हिंदू थे और कितने परसेंट मुसलमान हो गए, केरला में जाके देखिए कितने परसेंट हिंदू थे, बांग्लादेश में देखिए कितने परसेंट हिंदू थे और कितने परसेंट मुसलमान, पाकिस्तान में देखिए। आप मास्क मत करिए, आप उस खून में आप भी शामिल थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं की जो जनसंख्या घटी है उसमें आप जैसे आइडियोलॉजिकल लोग शामिल है, और अपने आप को बचाइए मत कि अब हिंदुस्तान की बात करिए, पाकिस्तान भी तो हिंदुस्तान था, क्यों नहीं किया, आप जैसे मोमिन क्यों नहीं आए उस वक्त, तब आप जिहादी बन गए थे, आज मोमिन बन रहे हैं, यही फर्क है। क्यों इस्लाम, आप वर्बल जिहाद दी, ये बहुत संवेदनशील मामला है, मुसलमानों का मामला है, पूरा इस्लाम धर्म का मामला है। मैं बोल रही हूँ कि अगर हमारी कमियां हैं, और ऐसा नहीं है रफी भाई को पता नहीं है, अभी मिश्रा जी ने काफी खुल के काफी सारी चीजें कही और हम भी ये सब चीजें कहते हैं, लेकिन इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है, इसे सुधारा कैसे जाएगा रफी भाई और हम सबको मिलके इस पे उसकी बात मत करिए मैम, रफी हम सुधारेंगे कैसे, मिश्रा जी मोमीन है, मिश्रा जी रुकिए, कैसे जिहादी बन जाते हैं पता चल रहा है, 20 मिनट बचे हैं हमारे पास, सिर्फ 20 मिनट, मिश्रा जी आपको आपको जो जिहादी है ना, मुझे किसी ने गलत नहीं बोला, मैं तो गायत्री मंत्र भी पढ़ा, मैं गीता भी पढ़ता हूँ, मुझे तो गलत नहीं बोला रफी साहब, आप गलत नहीं है, लेकिन गलत को गलत जरूर समझ नहीं रहे। अरे चंद लोग हो गए, 2% हो गए, 1.2 बिलियन में तो क्या फर्क पड़ेगा, 2% आतंकवाद को समर्थन करने वाले हैं, 98% जो है रफी साहब मुद्दे पे बात कर ले प्लीज, झूठ बोल रहे सर, 1400 सालों में 1.2 बिलियन की पॉपुलेशन में कितना परसेंट ह्यूमिनिटी में, बिजनेस में, व्यापार में, साइंटिफिक खोज में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, रफी भाई से अभी रफी भाई से बोलो कि 100 मुसलमानों को खड़ा करें, अगर सारे के सारे कट्टरवादिता वाले नजर ना आए, 98% एक शबनम खान या कोई और, रफी भाई झूठा दिखाने के लिए आपसे, अगर मैं झूठ आप फैलाते आ रहे हो, इसीलिए मुसलमान गलत दिशा में दौड़ रहा है आज। मिश्रा जी की हिम्मत नहीं होती ऐसी बातें करने की, अगर आपने पहले से सही राह दिखाई होती, अगर आपके जैसे कट्टरवादी लोगों ने गलत इस्लाम ना फैलाया होता, तो आज मिश्रा जी की हिम्मत नहीं होती इस्लाम धर्म को भी गलत बताने की, और इस तरीके से मुसलमान कितना कॉन्ट्राडिक्शन है, किताब में कुछ और, बोलना कुछ और, इसलिए मस्जिद में कुछ और बोलना, मिश्रा जी प्लीज शांत रहिए, रफी साहब प्लीज शांत रहिए, सुन लीजिए प्लीज, मिश्रा जी इसलिए ऐसा बोल पा रहे हैं और मैं उनका समर्थन कर रही हूँ, मैं इसलिए उनका समर्थन कर रही हूँ अपने बड़े भाई मिश्रा जी का, क्योंकि वो एक एक बात तथ्य के आधार पर सच बोल रहे हैं। क्या आप लोगों ने ये सब नहीं किया है, और क्या हुआ अगर सऊदी अरब के टैंकर पे, अरे भारत का मैं कह रही हूँ बड़ा बड़ा नाम लिखा होना चाहिए हर एक चीज पे, क्या चोरी करिए, सारा कुछ हमारा, 1400 साल में एक टैंकर पहली बार आया है, तलवारें आती थी नंगे हाथ में, तलवारें घुड़सवार आते थे, सारा माल 1400 साल में एक बार टैंकर आया है तो कोई एहसान नहीं है, भारत को परेश करके गए, जिन मुगल्स का नाम लेते हो ना वो हमारे भारत की रोटी, कौन सी चोरी और सीना चोरी, एक टैंकर भेज के आप हमें कलमा पढ़ाना चाहते हैं, एक टैंकर भेज के आप ये सोच रहे हैं कि मैं कलमा पढ़ लूं, इनकी सोच देखिए, 1400 साल तक लूट के लेके गए हो, अरे जरा लौटा दो, टैंकर देखते ही मुसलमान बन जाओ, न्यू इनके भेज दोगे तो नहीं लौटा पाओगे, हैं, और जो करोड़ों हिंदू भाई सब काम कर रहे हैं उनके लिए नहीं नहीं चलती आपकी जबान, एक टैंकर देखते ही देखिए कैसे उछलने लगे, खाली पीली हमारे को भी चिल्ला रहे हैं यहाँ पर, मनु दी और मैं आराम से बात करते हैं, एकदम धांसू इंटरव्यू करते हैं, प्यार से करते हैं, 6 घंटे भी बोल सकते हैं, बेकार में आपको मेरी चिल्ला रहे, अब प्लीज आप शांति प्लीज बीच में इंटरफेयर मत कीजिएगा, हमारे पास वक्त नहीं है, शांति प्रिय मनु दी, शांति प्रिय अता भाई को देखिए, एक टैंकर देखते ही देखिए क्या उछल आई है इनके अंदर, उछले जा रहे हैं कि हमारे टैंकर पे आपने रिलायंस क्यों लिख दिया, मेरा बस चले तो मैं सऊदी अरब पे भी भारत लिख कर आ जाऊँ, मेरा बस चले तो मैं हर कंट्री पे भारत का झंडा लगा कर आ जाऊँ, रफी साहब कभी कभी उस चीज को लेकर बंद कर दीजिए, मुगल्स आए सारी उम्र हिंदुस्तान को लूट कर ले गए, आप तो वो टैंकर वीडियो दिखा रहे हो सबको, देखो मुसलमानों ने भेजा है, देखो मुसलमानों ने भेजा है, और जब मुसलमानों ने थूका डॉक्टरों पे तब भी उन्हें भी डिफेंड करने आ गए थे आप लोग, जब डॉक्टरों पे आप लोग थूक रहे थे, जब डॉक्टरों पर आप थूक रहे थे, सूसू करके पानी पेशाब की बोतल फेंक रहे थे डॉक्टर्स पे, तब भी आपकी यही भाषा थी,
मुगल क्या ले गए, अपना प्रोग्राम कुछ हमारा शांति से, मुगल कहाँ गए, आप शांति से इंतजार करें तो मैं अपना प्रोग्राम पढ़ाना। मुगल की भी पोल खोलूंगा कभी, चिंता मत करिए। जैसे आप भंडा रहे हैं ना सर, अभी तो मैंने दो एक दो महीने पोल खोली है। आप शांति से इंतजार करें तो मैं अपना प्रोग्राम पढ़ाना। मुगल की भी पोल खोलूंगा कभी, चिंता मत करिए। जैसे आप भंडा रहे हैं ना सर, अभी तो मैंने दो एक दो महीने पोल खोली है। एक इस्लाम की विस्तारवादी ग्रुप में हमें और भी प्रोग्राम करने हैं, प्लीज शांति से, प्लीज शांति से। जी आरिफ साहब, एक बादशाह ने भी हज नहीं किया, ये जो डींग मार रहे ना बैठ के मुसलमानों की, एक बादशाह हज भी नहीं करने गया, पूछ लीजिए जरा इन्हें, पता नॉलेज भी नहीं होगी नहीं ये। जी आरिफ साहब, रफी साहब प्लीज बीच में इंटरफेयर मत कीजिएगा, मिश्रा जी आप भी नहीं, शबनम प्लीज बी रिक्वेस्ट। जी आरिफ साहब, मेरी बड़ी मोहब्बाना गुजारिश है रफी भाई के साथ के अभी रमजान चल रहा है, रमजान में सबसे पहला मैसेज भूखा प्यासा रहना नहीं, अपने नफ्स पे कंट्रोल करने का, जब्त का, गुस्सा ना करने का, मतलब जो वायोलेंट बिहेवियर आप दिखा रहे हैं रफी भाई, जरा आप किस तरह का इस्लाम फैला रहे हैं खुद अपने रवैये पे गौर करें, क्योंकि अगर आप कहते हैं मोहब्बत से इस्लाम फैला है तो आपको कोई भी मुसलमान नहीं होगा, जितना आप वायोलेंटली जवाब दे रहे हैं हर बात का, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शबनम जी ने कहा कि कोई भी इल्हामी किताब में तब्दीली मुमकिन नहीं, मैं इस पे एग्री करता हूं, लेकिन इस्लाम की जो किताब कुरान है वो नबी पाक के इंतकाल के बाद हजरत खलीफा तीसरे खलीफा के दौर में कंपाइल हुई है। पहली आयत जो आई है नबी पाक पे, इकरा बे इसमें रब्बकल लजी खलक, लेकिन कुरान में तो पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है, तो कुरान कंपाइल बहुत बाद में हुआ है। दूसरा, अरबिक मुझे आती है, मैं बचपन मेरा सऊदी अरब में गुजरा है, जिस तरह हिंदी में वोवेल होते हैं इसी तरह अरबी में जेर जबर पेश होते हैं, उनके ऊपर नीचे होने से मानी बदल जाते हैं। उम्मी कहा गया है नबी पाक को कुरान में, उम्मी के चार मतलब है अरबी में, जाहिल का भी मतलब है, बाप का भी मतलब है और कई मतलब और निकलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो तर्जुमे हम 1400 साल पहले करके आ गए, आज हम कम से कम उन तर्जुमों को रिवाइव करें आज के दौर के हिसाब से। इसी हिंदुस्तान में फोटो खींचना मना थी, हराम थी, आज पासपोर्ट बगैर फोटो के, पर्दे वाली औरत है उसके बगैर फोटो के पासपोर्ट नहीं बनता, यही प्रिंटिंग प्रेस आए थे तो हराम करार दिए गए थे, आज हलाल है। गुलामी इस्लाम में आज भी हराम नहीं है, लेकिन आज के दौर के हिसाब से कोई मुसलमान मुल्क की हिम्मत नहीं को उसको हलाल करार दिए। तो हालात के हिसाब से चीजें तब्दील होती हैं, कम उम्र भी कहकर गए चीजें हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कुरान को ना बदलो, लेकिन आज के हिसाब से कई चीजों में तर्जुमे करने पड़ते हैं। इमाम एक बात सुन ले सर, इमाम अहमद रजा बरेलवी साहब ने 3 किताबें लिखी हैं ये साबित करने के लिए कि जमीन चपटी है, जमीन घूमती नहीं है, और अल्लाह ताला ने पहाड़ों की मीखें ठोकी थी जमीन को साबित करने के लिए, साकित करने के लिए। वो तर्जुमे फेल हो चुके हैं, आज भी कई आपको बरेलवी फिक्के के लोग कहेंगे कि नहीं हम तो इमाम अहमद रजा को मानते हैं, साइंस को नहीं मानते, लेकिन जो ये कहता है वो बेवकूफ है, क्योंकि साइंस की थ्योरी साबित हो चुकी है कि जमीन रोटेट करती है, कुरान कहता है सूरज जमीन के गिर्द रोटेट करता है, ये कुरान नहीं कहता, ये तर्जुमा कहता है। मसला ये है कि हम आज भी 1400 साल पुराने हिसाब किताब में जीने को अपना हक समझते हैं। मुख्तसर एक आखिरी बात, इसके बाद आपके हवाले फ्लोर, मुख्तसर ये है कि ये जो कौम है ना अरब, ये आज तब्दील होने के लिए तैयार है। सऊदी अरब रामायण पढ़ा रहे हैं, वो आपको टैंकर भेज रहे हैं तो वो दोस्तियां कर रहे हैं, ठीक है ना, उनकी मजबूरी है सर, एहसान नहीं कर रहे हैं, मजबूरी है, उनको समझ में आ गया है, वो दोस्तियां कर रहे हैं। और उनको भारत के साथ दोस्ती अजीज है, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि $500 बिलियन में इंडिया में इन्वेस्ट करूंगा, ये भारत के साथ दोस्ती कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान तो भिखारी है, वहां पे फितरे के कैंप लगा के आया है इमरान खान अभी परसों,
फितरा मांग रहा है, जकात मांग रहा है। भारत ऐसा भारत का बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है करंट अरब कंट्रीज से। ये वो अरब हैं, ये वो अरब हैं जिनको सुधारने के लिए अल्लाह ने 124,000 पैगंबर भेजे। क्यों अमेरिका में एक भी पैगंबर नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया में एक भी पैगंबर नहीं आया? मनु अब आप समझ गए कि ये क्यों नहीं सुधरते, ये 124,000 पैगंबर से नहीं सुधरे, आप पर हम कैसे सुधार देंगे? जी जी आरिफ साहब कंटिन्यू कीजिए। जी मेरे पास दो मिनट मिलेंगे रफी साहब, क्योंकि प्रोग्राम समाप्त होने वाला है, मुझे दो क्लोजिंग रिमार्क चाहिए। जी दो मिनट बोलता हूँ। मैं ये कहता हूँ, पहली बात तो ये कहा कि पैगंबर सारे अरब में उतरे। कुरान बिल्कुल कहता है कि दुनिया के हर हिस्से में, हर खित्ते में और हर मुल्क में पैगंबर आए हैं, है कबल इस्लाम के। तो खाली 24 पैगंबरों का जिक्र है कुरान में, है वो अरब से लेके यरूशलम तक वो सारा वो उधर उधर आया। लेकिन भारत में कौन से उतरे थे रफी साहब? भारत में कौन से उतरे थे? ये कहा दुनिया के हर हिस्से में पैगंबर है। भारत में तो हिस्सा है, भारत में तो हिस्सा है। 24 पैगंबरों का जिक्र है ना कुरान में, 24 पैगंबरों का सबका जिक्र नहीं है। ये कहा 124 तो पूरी दुनिया में। भारत तो पुरानी सभ्यता है, कुरान इस्लाम आया उससे भी पहले की सभ्यता है, तो भारत में तो पहले उतरना चाहिए था। दो मिनट दिए ना, दो मिनट दिए ना, दो मिनट। आरिफ साहब आपको दो मिनट दिए। आरिफ साहब पैगंबर मोहम्मद को हवा भारत से ही आती थी शायद। हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, नमाज के बाद जब सलाम पकड़ पढ़ते थे तो वो हिंदुस्तान की तरफ देखते थे, वो कहते इधर से मुझे। तो फिर यहाँ क्यों नहीं अवतरित हुए वो? सब हुए होंगे, हुए होंगे, कोई मना थोड़ी कर रहा है। फिर आपको क्यों नहीं पता? वो बोलते थे मैं हिंद में नहीं, हिंद मुझ में है, और उसको मौलानाओं ने गजवाए हिंद में तर्जुमा कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया गजवाए हिंद। आप बोलिए अल्प ज्ञान बहुत भयंकर होता है मनु जी। अभी आपने कहा कि पैगंबर सभी हम तो ये कहते हैं यहाँ भी उतर, तो ये कहा है कुरान में किसी भी अवतार, किसी भी धर्म के, किसी भी अवतार को बुरा न बताए, किसी भी धर्म के जो आदर्शों को बुरा मत बताए, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करे, उसे ईश निंदा कहा गया है। उसको कहा ये उसके उसके ये पाकिस्तान का ईश निंदा भारत में मत बोलिए रफी साहब, ये पाकिस्तान का ईश निंदा भारत में मत बोलिए। आप नहीं नहीं आप भारत में इस चीज को डाल रहे हैं, लोगों के दिमाग में डालना चाह रहे हैं कि भारत सरकार इस चीज को भी ऐड करते हैं कि ईश निंदा वाला शब्द यहाँ मत लाइए। यहाँ कोई ईश निंदा नहीं कर रहा है, यहाँ कोई कुरान की बेइज्जती नहीं हो रही है। सर तन से जुदा वाला मुहावरा अभी भारत में चला था, क्या था? सर तन से जुदा, सर तन से जुदा के हिसाब से प्लीज मत कीजिए इसे, धर्म और राजनीति को अलग रखिए प्लीज। दुनिया के किसी भी देश और किसी भी धर्म के अवतार को गलत नहीं बताना, ये कुरान में लिखा है। हमने भी गलत नहीं कहा, आपने कहा कि हर मुल्क में उतरे, तो हमने कहा भारत में कौन से, हमने तो पूछा है, हमने तो अपने ज्ञान को ही बढ़ाना चाहा ना, आपने बात पलट दी। बात नहीं पलटी, मैं कह रहा हूँ उतरे होंगे। आखिरी की एक मिनट है प्लीज, आप बताइए आखिरी का क्लोजिंग रिमार्क चाहिए आपसे। मैनुदी अल्प ज्ञान अगर आपको होगा, मेरा आज का सब्जेक्ट सुन लीजिए एक बार, इस्लाम की विस्तारवादी भूख, यही टाइटल था, इसी पे क्लोजिंग रिमार्क सबनम एक मिनट में चाहिए मुझे। विस्तारवादी भूख सर, इस्लाम विस्तारवादी भूख कभी प्लीज सुनिए, आपको भी एक मिनट और दूंगी, लास्ट का क्लोजिंग रिमार्क आपसे भी लूंगी या सबनम, प्लीज शांति से सुनिए। मनुदी अगर आप किसी चीज का विस्तार करना चाहते हैं ना, और आप उसको झगड़े से, लफड़े से, तलवार से, दंगे से, इससे करना चाहेंगे तो आपकी भूख कभी शांत नहीं होगी। आपको प्रेम से, प्यार से, और प्रेम प्यार तो आप देख ही रही हैं कि किस तरीके का है इनके अंदर, और ये एक रफी भाई की प्रॉब्लम नहीं है, ये 99.9% मुस्लिम की प्रॉब्लम है, जो ये ही करने से कुछ काम नहीं चलता। शर्म करिए थोड़ी कि आपको सब लोग क्या कह रहे हैं, यही ही करके नहीं अच्छा। रफी साहब, रफी साहब मैंने कहा प्लीज शांति से सुनिए, प्लीज शांति से सुनिए, आपका भी एक मिनट आएगा या शर्म पूरा कीजिए। बुरी बात है, आपको आपको समझना चाहिए कि हम यहाँ पर धर्म के मामले में कितनी 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 गंभीर बात कर रहे हैं। आपको मिलेगा ना एक मिनट मौका, आपको क्लोजिंग रिमार्क का टाइम मिलेगा, आप कंडम कर दीजिएगा उस वक्त या शबनम। मैं तो सबको बोल रही हूँ कि देखिए, धर्म को अगर आप विस्तार करना चाहते हैं तो इसे जिद, अखड़ता और बदतमीजी के माध्यम मत अपनाइए। इसके लिए आप कुछ ऐसा अच्छा करके दिखाइए, मैं मुसलमानों को कह रही हूँ, अगर आप बहुत अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं यस हमारा इस्लाम बहुत स्ट्रांग है और अच्छा है और हमने हर एक बात अच्छी सीखी है, तो आपको वैसा बनकर भी दिखाना पड़ेगा।
जमीन पर बनकर दिखाना पड़ेगा। ये कोरी बातें और ड्रामेबाजी ये ठीठी ही करने से काम नहीं चलेगा। इससे तो मुसलमान को आप और ढीठ कर रहे हैं। अगर हम किसी की गलती को भी सराहते हैं ना, किसी की गलतियों को सराहते हैं और उन्हें शेल्टर देते हैं, तो समझ लीजिए हमने अपने कौम का, अपने पूरे समाज का और अपने धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ बस। यहाँ पर एक पति नहीं है, कितने का बीवियां हैं, चार ये बताइए ना हमें, 18,000 बीवियां। रफी साहब मैं क्लोजिंग, आप लड़ने लग जाते हैं, मैंने आपको एक मिनट दिया था क्लोजिंग रिमार्क। एक बीवी हो अच्छी हो वो नेमत है, बाकी ये है कि देखें धीरज से बात की जा सकती है। अच्छा मोहम्मद साहब ने कितनी बीवियां थी मुझे बताइए जरा, और उनकी उम्र क्या थी बताइए। मिश्रा जी प्लीज फर्ज है कि वो धीरज से जवाब दे, अगर वो सच्चा है तो उसको भड़कने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना भाई। खुद मोहम्मद साहब ने टॉपिक पे जब तक बात आती है तो मैं ये समझता हूँ कि आज जरूरत इस बात की नहीं है जो वसीम रिजवी साहब ने कहा कि ये आयत निकाल दो वो आयत निकाल दो, जरूरत इस बात की है कि इस्लाम को आज के दौर के हिसाब से चलाया जाए। आज 1400 साल पुराने वाला दौर नहीं है कि आप तलवार लेके घोड़े पे बैठ के निकल गए दुनिया फतेह करने के लिए। अगर आपको ये करना भी है तो अमेरिका की तरह करें जिसने पूरी दुनिया फतेह करने से पहले इल्म साइंटिफिक रिसर्च के खजाने अपने आप पाले, पहले अपने आप को इस काबिल करें। दुनिया के तकरीबन मुसलमान मुल्क मोहताज हैं, आज वैक्सीनेशन कोई मुसलमान मुल्क नहीं बना रहा, तो आज हर चीज के लिए, हथियार के लिए, पेट्रोल के लिए, पेट्रोल निकलता है इनकी जमीनों में, निकालने के लिए अमेरिकन कंपनियां आ रही हैं। तो मोहताजी है तो पहले अपने आप को या तो इस काबिल बनाए अगर आपको पूरी दुनिया को फतेह करना है तो। इस काबिल बना दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, एक टैंकर देके तो ये हाल है। मैं वो तलवार लेके सारी वैक्सीन ले जाएंगे। मिश्रा जी प्लीज, साहिल मुल्ला के हाथ में कल कब आके बता जी रफी साहब, जाहिल मुल्लाओं के हाथ में आपने इस्लाम दे दिया है जिसकी वजह से मामला खराब। अल्लाह का इस्लाम पढ़िए रफी भाई, अल्लाह का इस्लाम पढ़िए। शबनम शबनम रुको, शबनम रुको, कोई धर्म कोई मजहब गलत चीज नहीं सिखाता, हम मानने वालों के ऊपर है कि हम उसमें से कौन सी चीज को अडॉप्ट करते हैं। ये आरिफ भाई मैं यहीं से एक एग्जांपल दे देती हूँ, हम सब बैठे चिल्ला कौन रहा है, ये है मस्जिद अक्सर में गोलियां चलाई है, ये, तारीख में ये, ये देख लीजिए चारों। रफी साहब मेरे प्रोग्राम का खत्म हो गया है, रफी साहब के चर्च पे किसी के मंदिर में गोलियां नहीं चलाता ना। रफी साहब मेरा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, आप बस एक मिनट का क्लोजिंग रिमार्क अपना दे दीजिए प्लीज, बिना लड़े झगड़े जी रफी साहब। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, कल देखा मस्जिद अक्सा में दो दिन पहले इसराइल की हुकूमत ने गोलियां चलाई है तरावी पढ़ते हुए मुसलमानों के ऊपर। काबुल का ऊपर, काबुल में 55 अफगान स्टूडेंट मार दिया, उस पर तो आप कंडेम नहीं करोगे? आप इसराइल याद आता है, मुसलमान तो सीधे हवाई जहाज चला देते हैं, मुसलमान सीधे गोलियां नहीं चलाते, छोटी मोटी चीजें वो सीधे फाइटर प्लेन लड़ा देते हैं बिल्डिंग से, वो खुद बम बांध करके पूरी बिल्डिंग उड़ा देते हैं ट्रक में बम भर के, छोटी मोटी गोलियां थोड़ी चलाएंगे मुसलमान लोग, मुसलमान लोग सीधे प्लेन टकराते। रफी साहब मुसलमान छोटी छोटी मोटी गोलियां नहीं चलाते हैं, वो सीधे प्लेन की टक्कर मार देते हैं, वो ट्रक में बारूद भर के पूरे शहर को उड़ा देते हैं। मुसलमान छोटी मोटी गोलियां नहीं चलाते हैं, वो सीधे प्लेन टकरा देते हैं, मिश्रा जी रुकिए, में बारूद भर के पूरा शहर उड़ा देंगे, एम्बेसी उड़ा देंगे, छोटी गोलियां मुसलमान थोड़ी चलाते हैं सर। मुसलमानों ने मार दिया, जिहादियों ने अल्लाह अकबर का नारा लगा के कत्ल कर दिया 20 क्रिश्चियनों को नाइजीरिया में, उस पे कोई कंडेमनेशन नहीं आती। मैं भी कंडेम कुछ नहीं कहते, लेकिन मैं साथ बच्चों को कंडेम करता हूँ। मनु दी, रफी भाई से एक चीज पूछिए जरा, चाइना चलेंगे मुसलमानों को बचाने के लिए, जरा पूछिए मेरी तरफ से। अभी एक बयान इस्लाम वो दीन है, इस्लाम डरपोक नहीं है, इस्लाम डर के दहशत के मारे इस्लाम नहीं छोड़ेगा मुसलमान। अरे दहशत के मारे सुनिए, चाइना सवाल करता हूँ, मेरा एक सवाल है रफी साहब से, लड़ेगा इस बारे में रफी साहब से मेरा एक सवाल है कि जिस जेरूसलम के लिए ये आज तड़प रहे, सवाल सुन लीजिएगा फिर आप जवाब दीजिएगा, जिस जेरूसलम के लिए आप आज तड़प रहे हैं,
मुझे ये बताए कि वहाँ बेतलहम में हजरत आप नहीं तड़प रहे पैदा हुए मुसलमान कहते हैं आप बेतुल मकद्दस के लिए नहीं तड़प रहे भाई आपको तो सुनने के लिए तैयार नहीं मैं आप जैसे मुसलमानों पर लानत भेजता हूँ मैं आप लोगों को मुसलमान ही नहीं समझता समझे ना आप मुसलमानों के नाम की धब्बा बात कर रहे हो आप बात सुनने को तैयार नहीं हो आपके अंदर इस्लाम कम है पहले आप सुनने की आदत डालिए मेरा सवाल सुनिए पहले जवाब दिया बेतुल मुकद्दस का मैं जवाब दीजिए ना बेतुल मुकद्दस का कल मस्जिद मेरा सवाल सुन लीजिए अगर जवाब दे सकते हैं तो दीजिएगा यहूदियों के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दीवारें गरिया यरूशलेम में ईसाइयों के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेतलहम में पैदा हुए आपके नबी मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस्लाम आने के बाद भी 40 साल की उम्र में इस्लाम आया इसके बाद 25 साल तक बेतुल मकदस की तरफ किबला करके नमाज पढ़ते रहे मुझे ये बताइए कि यरूशलेम पे आपका क्या हक है आपका आपका वहां पे क्या हक है मुझे ये बता दे वहां तो आपका अरे उनका हक छोड़िए अपना हक बताइए अरे आप भाई मुसलमान है तो पूरी दुनिया पे हक है मुसलमान होने का मतलब ही ये पूरी दुनिया पे हक है अरे आप भाई मुसलमान है तो पूरी दुनिया पे हक है मुसलमान होने का मतलब ही ये पूरी दुनिया पे हक है बेतुल मुकद्दस के लिए आपका दिल नहीं धड़कता आपके दिल में सीना आपके यही तो इंसेंटिव है इस्लाम का यही तो इंसेंटिव है इस्लाम के ग्रोथ करने का आप केवल कलमा पढ़ लीजिए आप बादशाह हो गए और पूरी दुनिया गई मुझे पता उठ के चले जाएंगे अरे आप तिरंगा पीछे लगाते हम सीने में रखते हैं तिरंगा अपने सर तिरंगा दिखा तो नहीं जब से प्रोग्राम शुरू हुआ मैं सोच रही हूँ रफी साहब प्यार मोहब्बत की बात कर ले इस्लाम की बात कर ले आपने सारा सियासी बातचीत तो जरूर कर ली रफी साहब आखिरी का रिमार्क दे दीजिए प्लीज भारत का संविधान छोड़िए संविधान की फोटो सब देखते हैं संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था नहीं नहीं वो भारत का संविधान भी एक टूल की तरह यूज करते हैं 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 2021 में हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं है जो 26 जनवरी 1950 को था वो तो संविधान को ही कचरे में फेंक देना चाहते हैं कुछ लोग सर आप तो संविधान को भी एक टूल की तरह यूज कर रहे हो संविधान पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हो आप रफी साहब सुन लीजिए प्लीज प्लीज मैं अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी सुन लीजिएगा रफी साहब आपने कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था 2021 तक उसमें हजारों अमेंडमेंट हो चुके हैं ये आपको पता है और अमेंडमेंट इसीलिए किए जाते हैं कि जो चीज गलत होती है उसको बदला जाता है मेरे प्रोग्राम का समय खत्म हो गया आपने अपने मिनट को इस्तेमाल नहीं किया रफी साहब इसलिए मैं आपको और वक्त नहीं दे सकती मैंने कितने बार आपको रिक्वेस्ट किया कि मुद्दे पे बात कीजिए आप नहीं आए धार्मिक ग्रंथों में कोई अमेंडमेंट नहीं होती संविधान नहीं होता धार्मिक ग्रंथ अलग चीज होता है संविधान सब सब में होती है रफी साहब आप नहीं करना चाहते आप इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं धार्मिक ग्रंथों का गलत इंटरप्रिटेशन भी नहीं होता है सर आप गलत इंटरप्रिटेट करते हैं इंटरप्रिटेट करते हैं आप लूट मार के लिए इंटरप्रिटेट करते हैं बदलाव एक मत करिए अरे गलत इंटरप्रिटेट आप क्यों करते हैं ठीक है बदलाव मत करिए लेकिन मिश्रा जी मेरा प्रोग्राम का टाइम खमप समप हो गया है किसी बात पे शरिया किसी बात पे संविधान मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है जाते अब मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है प्लीज रफी साहब आपको तो मैं तो समझी थी कि बहुत मतलब समझदार आपको समझी थी और आपको इसीलिए इनवाइट किया था मैंने लेकिन आपने शुरू से लेके अभी तक सिर्फ जंग की लड़ाई की भाषा के अलावा आपने कोई बात ही नहीं की आपने मुद्दे पे बात ही नहीं की हमने आरिफ साहब को भी 1 घंटे से ज्यादा हो गया क्योंकि मैंने 1 घंटे का टाइम दिया था इससे ज्यादा का मैं वक्त नहीं ले सकती है मुझे क्लोजिंग रिमार्क मुझे सबके मिल गए थे रफी साहब आप अभी भी अपना क्लोजिंग रिमार्क देना चाहते हैं 1 मिनट में खत्म कर दीजिए प्लीज मैं तो यही मिश्रा जी बोलिएगा मत प्लीज विस्तारवाद हाँ इस्लाम विस्तारवाद की भूख जो बता रहे हो कहीं नहीं है इस्लाम मैंने कहा कि उजाला जो रोशनी है जो कुरान रोशनी है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है उनके रहमतुल आलमीन का मतलब होता है दुनिया पे जिसकी रहमत हो और कुरान मुकम्मल दीन है अल्लाह का कलाम है तो इस्लाम जो फैला है अल्लाह के कलाम से फैला है रहमतुल आलमीन जो हमारे पैगम्बर थे उनकी जो हिदायत थी उनसे फैला है कहीं भी विस्तारवाद की भूख है नहीं
कहीं विस्तारवाद की भूख है नहीं, इस्लाम रोशनी है, रोशनी की किरण जब कहीं अंधेरे में जाती है ना तो अपने आप फैलता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अमन और भाईचारे से इस्लाम फैला है और जो दर्द से इस्लाम फैला है, जो सही रास्ता सारी दुनिया में, इसलिए इस्लाम फैला रहे कि सारी दुनिया में अभी भी अंधेरा है, अभी भी अंधेरा है, इसलिए इस्लाम फैला रहे हैं, रोशनी फैला रहे हैं ये, क्योंकि सब जगह अंधेरा है और बस यही अंधेरा दूर, सबसे बड़े अंधेरे में तो आप पड़े हो आज भी, इस्लाम फैला हुआ है। फॉलो तो कर लो कम से कम, अमेरिका में जाके ये रोशनी फैला रहे हैं, इंग्लैंड में जाके ये रोशनी फैला रहे हैं। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गेस्ट का। अल्लाह का हो या ईश्वर का हो, परमात्मा का हो, वही इस्लाम। एक अदद वैक्सीन 1400 साल में जीरो कंट्रीब्यूशन, दुनिया भर में रोशनी फैलाने की बात करते हैं। सर मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, प्लीज प्लीज मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और रफी साहब एक घंटे से आपके पास मौका ही मौका था, लेकिन आप लड़ने के सिवाय आप मुद्दे पे आए ही नहीं। प्लीज हमें माफ कीजिएगा, दरखास्त करूंगा कुरान पढ़िए आप, हिंदी में अनुवाद बहुत मिलते हैं, अगर पढ़ेंगे। सर मेरे पास बहुत है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत सारे वेद पुराण हैं, जो बेटर है मैं पढ़ूंगा। ये प्यार मोहब्बत की बात है, मेरे ऊपर लच्छेबाजी मत करिए सर। मैं नहीं 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 मुझे सर, आप प्रैक्टिस करिए, आप बढ़िया प्रैक्टिस करिए, आपके आपके काम को देख करके दुनिया प्रभावित होगी, हम प्रभावित होंगे सर, पढ़ने से हम प्रभावित नहीं होंगे। प्लीज इस्लाम की रफी साहब प्लीज, सकारात्मकता है ना, ये सकारात्मकता। अरे दुनिया वाला बोलेगी जब आप बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे, दुनिया आपसे प्रभावित होगी, पढ़ने से नहीं होगी। प्लीज रफी साहब प्रैक्टिस करिए सड़कों पे, दूसरे लोगों से बढ़िया से मिल करके रहिए, तो अपने आप इस्लाम की वाहवाही होगी। आप तो बोलने भी नहीं देते हैं, जरा सा बोलो। एक टैंकर क्या भेज दिया हमें, कलमा पढ़ो। स्टीकर लगाने के लिए अपना टैंकर, हम तुम्हें टीके भेज रहे हैं, एक टीका नहीं बना पाया है। मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज पॉपुलेशन इंजेक्शन लगाना नहीं जानता है। मिश्रा जी मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज शांत रहिए। रफी साहब प्लीज शांत रहिए, आपने मिश्रा जी को कहा कुरान पढ़िए रोशनी आएगी, आरिफ साहब ने कुरान पढ़ा। अरे हम नहीं पढ़ने वाले हैं, हमारे पास बहुत किताब है पढ़ने के लिए, तो इस मिश्रा जी को पढ़ा के आपको क्या मिल जाएगा, जिन्होंने इस्लाम मिश्रा जी को मुसलमान बनाना है, मिश्रा जी को मुसलमान। देखिए कितना खूबसूरत मोहब्बत है, आप इस्लाम आप कुरान पढ़िए, फिर उसके बाद कलमा पढ़िए, फिर मुसलमान बन जाइए। सर मेरे पास यही तो नहीं है, मेरा इसी हो गया, इसीलिए तो ये लोग पढ़ रहे हैं ना, कैसे फंसते हैं। मैं 1984 से गीता पढ़ता हूँ, आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। आप हिंदुस्तान में नहीं, आप हिंदुस्तान में है, आपका कर्तव्य है आपको गीता और वेद पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप हिंदुस्तान में है, ये लाजमी है आपको पढ़ने के लिए, आपका कर्तव्य है। पहले गीता और वेद पुराण पढ़िए, फिर कुरान पढ़िए। अरे हाथों के प्रोग्राम समाप्त कर रही हूँ रफी साहब, प्लीज काइंडली धमका के गीता पढ़वाओगे कहा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, मैंने कभी धमकी नहीं दी, मैं नैतिक वे में बोल रहा हूँ। आप उस सभ्यता में, जिस सभ्यता में है, पहले उसको समझिए। अरे लंदन का अभी पासपोर्ट लेना हो तो पहले इंग्लिश आप सीख लो। आपके दिमाग में नकारात्मक नहीं, एसाइलम लेना हो, लंदन जाना हो तो इंग्लिश तुरंत सीख लेंगे। मिश्रा जी प्लीज प्लीज, रफी साहब प्लीज, मुझे प्रोग्राम समझ, रफी साहब मुझे यहाँ नहीं पढ़ोगे, महाभारत नहीं पढ़ोगे।